देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर भी। हेलो यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें दो या तीन क्वेश्चन शायद कुछ बाकी था, मैंने बोला था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 5 मार्क्स का है। अगर तुम लोग कर पाते हो तो खुद से कर सकते हो, देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो बता देंगे, आसान है, ठीक है। अदरवाइज इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। गुड मॉर्निंग रूपांकन। गुड मॉर्निंग मैम। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? देखो मेजर मतलब किसी चीज को जो है मापना, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल मतलब क्या होता है? मिडिल, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। टेंडेंसी मतलब एक जो मतलब इसका जो मतलब क्या बोले, टेंडेंसी होता है ना किसी चीजों का, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं डेटा का टेंडेंसी कैसे होता है, ठीक है। तो डेटा का जो टेंडेंसी है ना, डेटा हमेशा जो है वो मिडिल के तरफ क्लस्टर होता है। मतलब देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कभी भी तुम लोग मान लो कहीं रोड में खड़े हो, ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां तुम लोग ऐसा नहीं देखोगे कि कोई इंसान ऐसा है कि बहुत ज्यादा लंबा है या फिर बहुत ज्यादा जो है उसका शॉर्ट हाइट है, ठीक है। वो अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट हाइट होता है वो भी हमारे आंख में आ जाता है कि देखो बहुत ज्यादा शॉर्ट हाइट है, और बहुत ज्यादा लंबा होता है तो वो भी हमें दिखता है। मतलब नॉर्मल जो है सभी का जो मतलब हाइट है वो एवरेज एक होता है, जैसे फीमेल लोगों का एक होता है, ठीक है, मेल लोगों का एक होता है, उसके हिसाब से। वेट भी देखोगे ना तो बहुत ज्यादा मोटा इंसान या फिर बहुत ज्यादा थिन टाइप ऑफ इंसान हमें कम ही दिखेगा, नॉर्मल वेट वाले इंसान ही ज्यादा दिखता है। मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को ना एकदम एक्सट्रीम, कोई भी एक्सट्रीम चीज हमें नहीं दिखाई देता है, मैक्सिमम जो है वो हमें नॉर्मल चीज जो है वो दिखते हैं, ठीक है। या फिर जैसे देखो मैंने मान लो तुम लोग का टेस्ट लिया, ठीक है, मैंने मान लो 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया 20 मार्क्स का, ठीक है। तो 20 out of 20 जो है ना वो बहुत कम लोगों को मिलेगा, ठीक है। 10 स्टूडेंट में 20 out of 20 बहुत कम लोगों को मिलेगा। मान लो एक ही जन को मिला 20 out of 20, एक या दो जन को मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, बाकी लोगों को कितना मिल सकता है? ये 18 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, या फिर मान लो कुछ 10 हो गया, या फिर जो है 19 हो गया, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर मान लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 7, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 0, ठीक है। तो ये देखो मैंने कितने लोगों का दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। यहाँ पर और कुछ एक वैल्यू ले लेते, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 13, ठीक है। तो देखो 0 से देखो मैक्सिमम टू मिनिमम मार्क क्या हो सकता है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हम लोग का देखो कितना है, 20 है, और मिनिमम मार्क्स हम लोग का क्या होगा, 0 होगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम बहुत कम लोगों को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 में से 8 लोगों को 20 out of 20 मिल गया या 10 में से 8 लोगों को 0 मिल गया, ऐसा नहीं होगा। मिडिल वाला वैल्यू ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेटा का जो टेंडेंसी है ये क्या है, ये डेटा है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डेटा है। डेटा का जो टेंडेंसी है ना, जो टेंडेंसी है वो सेंट्रल के तरफ जो है क्लस्टर होना है। मतलब इस चीज को अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, देखो इस चीज को अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये देखो मेरा ड्रॉ ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 20 बहुत ही कम लोगों का मतलब मार्क्स दिखेगा और 0 भी बहुत ही कम लोगों का दिखेगा, बाकी मार्क्स जो है ना मेरा मिडिल के तरफ होगा। तो मेरा जो डेटा बनेगा ना, मतलब इससे जो मेरा ड्रॉ बनेगा वो क्या होगा, ऐसे मिडिल के तरफ सबसे ज्यादा, ये ऊंचा है, ये इतना हाइट पे है, इसका मतलब क्या है, मिडिल वाला वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, मिडिल वाला वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। डेटा का टेंडेंसी जो है वो सेंट्रल के तरफ क्लस्टर होना होता है। ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखोगे तो दिखेगा, डेफिनेशन का जरूरत नहीं है बट समझने के लिए। ये देखो तुम लोगों से डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, देखो
यहाँ पर क्या बोला है, देखो सेंट्रल टेंडेंसी मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये क्या था, ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, किस चीज का, मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स का सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस था। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जो भी डेटा है उसका एक टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी क्या है, टू क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू। क्लस्टर मतलब जमा होना, ठीक है, कहाँ जमा होता है, जिसको हम लोग मिडिल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू की तरफ डेटा क्लस्टर होता है, एंड द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लोकेशन और एवरेज, ठीक है। तो ये जो सिंगल एक वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये देखो जो मिडिल वैल्यू मैंने बोला ना, तो मिडिल में तो बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन एक वैल्यू हमें ऐसा मेजर करके फाइंड आउट करना है जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि देखो मान लो तुम लोग जब भी मतलब 9, 10, 11, 12 जो भी एग्जाम दिए हो, तो तुम लोग का जो भी सब्जेक्ट होता है, मान लो किसी का था अकाउंट्स था, सपोज लॉ था, ठीक है, और मान लो इकोनॉमिक्स था, हम चार सब्जेक्ट ले ले रहे, ठीक है, और एक मान लो मैथ्स स्टैट था, ठीक है, तुम लोग का इसी के हिसाब से हम ले ले रहे अभी के कोर्स के हिसाब से। अब मान लो किसी को इसमें मिला है 80, ठीक है, किसी को इसमें मिला है मान लो 75, किसी को इसको इसमें मिला है 90 फॉर एग्जाम्पल, और किसी को इसमें मिला है 70, ठीक है। अब अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि तुम लोग को कितना मिला है, इंडिविजुअली नहीं बोल के तुम लोग को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो तुम लोग कैसे करोगे, इसको एड कर लोगे, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई कितना कर लोगे, 4। जैसे तुम लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, या कहीं एडमिशन टेस्ट देते हो, तो अगर पूछा जाए कि प्रीवियस एग्जाम में परसेंटेज कितना आया, तो तुम लोग क्या करते हो, प्रीवियस जो भी एग्जाम, जिसने जो भी एग्जाम दिया है उसमें मिले हुए जो भी नंबर्स है उसका टोटल करते हो। जैसे मैंने अभी ये मान लिया है कि तुम लोग को इतना इतना मिला है, ठीक है, तो कितना हो गया, 315 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना परसेंट हो गया, 78. कितना आया, 78.75% मिला है, ठीक है। तो क्या 78.75 तुम लोग को कोई भी सब्जेक्ट में मिला है, नहीं, लेकिन ये जो नंबर है, ये जो एक सिंगल वैल्यू है, ये पूरे तुम लोग के रिजल्ट को जो है प्रेजेंट कर सकता है। ये क्या है, ये है हम लोग का एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। एक्चुअली इसको मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है एवरेज मेथड। और जिसमें एवरेज करने का मतलब, देखो सेंट्रल का वैल्यू निकालने का मतलब या फिर मिडिल का वैल्यू निकालने का मतलब ही हो जाता है हमारा एवरेज करना। अब एवरेज अलग अलग मेथड से करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वही हम लोग सीखेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहां पर ये लैंग्वेज बोला था ना, देखो ये लैंग्वेज क्या बोला था, सेंट्रल टेंडेंसी मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का टेंडेंसी क्या है, टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू, एंड द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब तुम लोग के पूरे ये रिजल्ट को ये एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है कि 78.75% मिला है, इसी से जो है तुम लोग का इवैल्यूएशन कर दिया जाएगा, ठीक है, इसी से तुम लोग का वैल्यूएशन कर दिया जाएगा। अलग अलग डेटा का जरूरत नहीं है, मतलब एक सिंगल वैल्यू पूरा पूरा डेटा को जो है रिप्रेजेंट कर पा रहा है, अलग अलग मुझे डेटा का जरूरत नहीं, इसी से हम जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का एवरेज वैल्यू, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये कौन सा एवरेज निकाला, ये बेसिकली क्या निकला, ये निकला है एवरेज, ठीक है। और ये एवरेज को निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया, ये जो मेथड जो तुम लोग बचपन से करते हो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसको हम लोग एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेंट्रल का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो गुड मॉर्निंग मानसी देखो सेंट्रल एवरेज, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू निकलेगा ना इसको हम लोग सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इट प्रेजेंट्स या रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट प्रेजेंट्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा, ठीक है।
तो किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा का सेंट्रल वैल्यू जो होता है उसको मेजर करने का जो तरीका है उसे ही हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब ये हर एक चीज में ही दिखेगा, जैसे कि मैंने बोला अगर हाइट भी देखोगे बहुत लंबा इंसान तुम लोग को रास्ते में ज्यादा नहीं दिखेगा कि बहुत ज्यादा लंबा इंसान है। वेट के केस में भी बहुत हेवी वेट बहुत ही थीन पर्सन कम दिखता है। नॉर्मल जो एवरेज होता है ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा शॉर्ट हाइट। ठीक है, किसी कंपनी का प्रॉफिट भी देखो ना वो भी एवरेज एवरेज होता है। ठीक है, प्रॉफिट का भी ऐसा नहीं होता है कि कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट है बहुत ज्यादा लॉस है। नॉर्मली पूरे ईयर में कंपनी का प्रॉफिट जो है एवरेज तरीके से चलता है। ठीक है, ठीक है छोड़ो। तो देखो यहां पर हम लोग को क्या क्या एवरेज मेथड सीखना पड़ेगा वो दिखाते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, क्या क्या टेक्निक है, ठीक है, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक है। सबसे पहला है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन ये तुम लोग सीखते हो जो मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, जब भी कभी बचपन में एवरेज निकालते हो तो यही वाला करते हैं। और क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पर नया, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आज जो है ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ये एरिथमेटिक मीन जो है ये वाला आज हम लोग पढ़ेंगे। एरिथमेटिक मीन के लिए पहले हम लोग एक बार जो हम लोग का जो हम लोग का देखो यहाँ पर, अच्छा सबको क्लास में एंटर ही नहीं किया, फिर भी मुझे मैसेज मुझे तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है तुम लोग को। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दो तरीके का होगा मेनली। ठीक है, अनक्लासिफाइड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनक्लासिफाइड डेटा जो है मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये नाम भी तुम लोग को पता होना चाहिए, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेट एवरेज फॉर लाइक 10, 9, 3, 15। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है मतलब ये कैसा डेटा है, ये क्लासिफाइड डेटा नहीं है, ये अनक्लासिफाइड डेटा है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोल सकते हो। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सिंपल ऐसे अगर मुझे एवरेज निकालने बोले, क्योंकि हम तुम लोग को अभी क्या सिखा रहे हैं एरिथमेटिक मीन, तो इसका एवरेज कैसे हो जाएगा, ये सारी चीजों का टोटल डिवाइडेड बाई 4 करके जितना आएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कितना आ रहा है, 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कुछ 9.25 आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली वैल्यूज लिया था तो जो भी आया है मैंने वो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके का होगा, एक हो जाएगा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हो जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा देखो यहां पर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कैसे डेटा गिवन होता है, एक एक्स का डेटा गिवन होता है, एफ का डेटा गिवन होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया यहां पर 10, 9, 3, 15, फिर यहां पर दे दिया मैंने 4, 3, 5, 1, इसका मतलब है 10 4 टाइम्स ऑकर हुआ है, 9 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 15 1 टाइम्स, ऐसे मैंने दिया है। ये जस्ट मैंने रैंडमली वैल्यूज को लिया है। ठीक है, ये मतलब
तो यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ रहता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तुम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट जो टॉपिक था उसमें पढ़ लिया है। और अगर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे तो वो कैसे देखने में होता है, जैसे कि देखो ऐसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी भी रहेगा 273। तो मैंने एक बार डेटा का प्रेजेंटेशन तुम लोग को याद दिला दिया कि कैसे होता है, जिसमें मैंने ये दिखा दिया कि ऐसे डेटा में कैसे एवरेज निकालोगे, ये नहीं दिखा है, ये भी दिखा देते। और ये जो मैंने लिखा है ना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यू, जो मैंने ये लिखा है ये हम लोग का कैसा है, ये हम लोग का जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये ओवरलैपिंग वाला है, तो नॉन ओवरलैपिंग वाला भी हो सकता है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो ये जस्ट तुम लोग को याद दिला दिया कि हम लोग को ये कैलकुलेशन कितने तरीके के डेटा पे दे सकता है। तो अगर मेरा कोई भी एफ रिलेटेड नहीं है तो वो हो जाएगा अनक्लासिफाइड डेटा, या जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। और अगर एफ रिलेटेड डेटा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लास्ट हम लोग पढ़ के आए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जिस टेबल में हम लोग फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, यानी कोई भी एक डेटा अपने आप को कितने बार रिपीट किया है उसका जो है इंफॉर्मेशन अगर हम लोग टेबल के अंदर दिखाते हैं तो उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का हो सकता है, सिंपल और ग्रुप। ग्रुप में ऐसे दे दिया जाएगा क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री के साथ, जो कि ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग दोनों तरीके का होता है। और ये सारे चीज हम लोगों ने जो है प्रीवियस चैप्टर में कर लिए हैं, ठीक है। तो ये अगर देखें तो ये मैंने कुछ नया बोला ही नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन एक बार याद दिला दिया कि कितने तरीके का डेटा होता है, उसी के बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एरिथमेटिक मीन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एएम, ठीक है, एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन जो है, एरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस या माइनस, और मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। मैथ्स में एरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस या माइनस, ठीक है, और मीन का मतलब होता है हम लोग का एवरेज। अच्छा, अब देखो यहां पर प्लस और माइनस इज एरिथमेटिक ऑपरेशन, एरिथमेटिक ऑपरेशन एंड मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। ये मैंने लिखवा भी दिया है, बोल भी दिया, ठीक है। यहां पर एम इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तुम लोग को पता है, ये मैंने लिख दिया है लेकिन ये तुम लोग को पता है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है कि एरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिक्स में होता है प्लस करना या माइनस करना, इस तरीके के कोई ऑपरेशंस या एक्टिविटी को करने को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरिथमेटिक मीन का मतलब, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, मीन का मतलब एवरेज होता है। एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते, पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये देखो जैसे ये वाला सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल कर लिया, या फिर ये एग्जाम्पल सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल कर लिया, फिर डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 1, 2, 3, 4, तो इसीलिए 4 से डिवाइड हुआ, ठीक है। 4 से डिवाइड का मतलब है जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, यहां भी मैंने 4 लिया था तो 4 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से एरिथमेटिक मीन को जो है मेनली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो देखो हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग का जो है अनक्लासिफाइड डेटा है, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार अनक्लासिफाइड डेटा के लिए दिखा देते हैं, देखो यहां पर अनक्लासिफाइड डेटा, अनक्लासिफाइड और डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे इसका अगर जनरल फॉर्म लिखे तो जनरल फॉर्म कैसे होगा, देखो अगर हमें एक्स बार निकालना है, अब मैंने एक्स बार क्यों लिखा, ये जो साइन है ना इसको हम लोग बोलते हैं बार, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। अच्छा, अब इसका टोटल करेंगे, देखो हम लोग एक्स बार यानी एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एरिथमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा था ना, देखो ये सब हम लोग बोल सकते हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स
4 है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग x से डिनोट करेंगे तो पहला ऑब्जर्वेशन x1, दूसरे को x2, तीसरे को x3, ऐसे करके एंड वाले को xn बोल सकते हैं और नीचे डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर मेरा 4 ऑब्जर्वेशन है, सोचो ये वाला, ठीक है, मेरा अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो 10 कितना हो गया x1, 9 कितना हो गया x2, 3 कितना हो गया x3, 4 कितना हो गया, 15 कितना हो गया x4, ठीक है। x3 x4 डिवाइडेड बाय 4 होगा। देखो अगर ये लास्ट वाला 4 है, यानी 4 ऑब्जर्वेशन है, और अगर 4 ऑब्जर्वेशन है नहीं होगा क्योंकि मैंने डॉट डॉट करके n लिखा था, तो डिवाइडेड बाय n कर दिया। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चाहो तो इसे लिख लो, यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं समेशन या सिग्मा। ये जो साइन है इसे समेशन या सिग्मा बोला जाता है। एक्स आई, आई का मतलब देखो, आई का वैल्यू कभी 1 होगा, कभी 2, कभी 3, 4, डॉट डॉट करके चलता जाएगा, और डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, इसको बोला जाता है सिग्मा और समेशन, ठीक है। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे सिग्मा और समेशन, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है सिग्मा या फिर समेशन बोला जाता है, और एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। अच्छा, अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा देंगे, ठीक है, यहीं से। ये देखो, ये देखो यहां पर दिया है कि फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ ए सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स 58, 62, 48, 53, 70, 52, 48, कंप्यूट द मीन वेज। अब देखो जब मीन बोलेगा, यानी मीन यानी क्या, एवरेज। अच्छा, तो हम लोग कौन सा मेथड लगाए, हम लोग को तो यहाँ बोला नहीं है कि कौन सा। देखो मैंने अभी तुम लोग को कितने सारे मेथड का नाम लिखा है, लेकिन हमें बोला है मीन निकालने के लिए, तो हम लोग को तो बोला नहीं कौन सा मीन फॉलो करे। तो जब सिर्फ ओनली मीन बोल देगा, ऑलवेज फॉलो एरिथमेटिक मीन, ठीक है। जब क्वेश्चन में हमें कुछ दूसरा नाम नहीं देगा, लाइक जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड मीडियन, तो हमेशा तुम लोग को मीन का मतलब एरिथमेटिक मीन ही करना है। मतलब सिंपल क्या करना है, ये सारे डेटा का टोटल कर देना है और डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 14.11 का देखो आंसर कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर इसके साथ ये एग्जाम्पल जो है बन जाएगा, ये देखो 14.11, ठीक है। तो x बार निकालने बोला है, तो x बार कैसे निकालेंगे, देखो जो भी वैल्यूज है सबको ऐड करो, 58, 62, 48, 53, 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, देखो वैसे भी क्वेश्चन में बता दिया था कि 9 वर्कर है, तो काउंट नहीं भी करेंगे तो हमारे पास 9 वेजेस ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, ये सबका टोटल करना है, डिवाइडेड बाय 9 कर देना है। तो टोटल करने से कितना आएगा, देखो यहीं से देख के लिख लेते, टोटल तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। टोटल करने से 562 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लिए 562 डिवाइडेड बाय 9, ये रुपीज में आंसर आएगा, और ये हो गया रुपीज 62 point something आएगा, रुपीज 62.44। मतलब एवरेज देखो, हाईएस्ट वेज कितना है, हाईएस्ट वेज 84 है मुझे जो दिख रहा है, और सबसे कम जो है वो आई थिंक 52 है, ठीक है। मतलब सबसे कम 52 है, सबसे ज्यादा 84 है, और हमारा मिडिल का क्या निकला 62.44। मतलब जो मतलब वेजेस का पेमेंट है वो इसके आसपास घूमेगा, 62.44 के आसपास घूमेगा, मतलब इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एवरेज डेटा कैलकुलेट हो गया, कौन से वेरिएबल का, डिस्क्रीट वेरिएबल का, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो उस केस में कैसे करके कैलकुलेशन हो सकता है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैम एग्मल का लास्ट पेज से देखा था, स्क्रीनशॉट नहीं है, वही लिखा ही अच्छा होगा, तो ना बोल लो स्क्रीनशॉट नहीं है ना,
ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন মে দেখো, অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো অতটা ইম্পর্টেন্ট না, আমি জাস্ট এখান থেকে করার জন্য করাচ্ছি, সেরকম হলে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিও, এইগুলো লেখার হলে তখন না হয় লিখে নিও। ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন মে দেখো ক্যা দিয়া হুয়া হ্যায়। ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন মে সবসে পহলে হম লোগ পড়েঙ্গে সিম্পল ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক হ্যায়। জেসে কি হম এক ডেটা লে লে রহে হ্যায়, 10 10 10, ফির মেনে লে লিয়া মান লো 18 16, ঠিক হ্যায়, ফির সে লে লিয়া 18 20 অর 14, ঠিক হ্যায়, ইয়াহ এক 14 লে লিয়া। আচ্ছা আব আগর মুঝে বোলে কি ক্যালকুলেট এভারেজ, ক্যালকুলেট এভারেজ, ঠিক হ্যায়, তো ক্যাসে করকে এভারেজ ক্যালকুলেট করেঙ্গে, তো দেখো ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কা আগর ফর্মুলা নেহি লাগাতে হ্যায় উসকে পহলে হামারে দিমাগ মে এভারেজ ক্যালকুলেশন কা সিস্টেম ক্যা আয়েগা, পহলে লিখেঙ্গে 14, ফির 10। আবি তো হম লোগো নে সিখা কি জিতনা ডেটা হ্যায় সবকো লিখ দো, লিখ কে ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ অবজারভেশনস কর দো, ঠিক হ্যায়। তো আগর হম লোগ ভেসা কর দেতে হ্যায় তো হামারা আনসার কিতনা আয়েগা, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ঠিক হ্যায়, 9 সে ডিভাইড কর দেঙ্গে তো ইয়াহা পর ইয়ে সব টোটাল करने से आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 9, यानी 14.44 आएगा। तुम लोग चेक करके देख सकते हो, ये नॉर्मल प्लस है इसलिए हम और कुछ करके नहीं दिखा, लेकिन हम लोग का यहाँ पर डेटा खुद को रिपीट कर रहा है तो क्यों ना हम लोग एफ का यूज करें, क्योंकि हम लोगों ने तो सीखा है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूजेस क्या है, बार बार इतना ज्यादा रिपीटेशन होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ये तो देखो फिर भी 9 डेटा है, अगर 900 डेटा होगा तो हमें क्या करना चाहिए, अगर रिपीटेशन है तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसी के बेसिस पे ही हम लोग अभी कैलकुलेशन भी करेंगे। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पहले एक्स, ठीक है, वेरिएबल्स एफ, फिर यहाँ पर देखो यहाँ से पुट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टर टू ग्रेटर हमेशा लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तुम लोग का एक एमसीक्यू भी था जहां पर डेफिनेशन दिया हुआ था, तो शॉर्टर टू ग्रेटर मतलब सबसे छोटा वैल्यू से स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े वैल्यू तक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 14 10 है तो मुझे 10 लिखना चाहिए, देखो ये पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सबसे छोटा डेटा 10 है। उसके बाद कितना है 14 16, उसके बाद है 14, उसके बाद है 16, उसके बाद 18 और लास्ट में 20 था। अब हम लोग देखेंगे कि 10 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, तो 10 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा 14 देखो 2 टाइम्स है तो 14 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2, 16 एक ही बार है तो 16 को हम लोग 1 लिखेंगे, 18 देखते हैं 18 2 टाइम्स है तो 18 को 2 टाइम्स लिख देंगे, और 20 जो है वो 1 टाइम है तो 20 को हम लोग 1 टाइम ही लिखेंगे। अब कैसे करके देखो, ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो तुम लोगों ने सीखा है, अब अगर तुम लोग को एवरेज निकालना है तो तुम लोग क्या करोगे, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली 10 प्लस 10 प्लस 10 कर रहे हैं, क्या इसके जगह तुम लोग इसको किसी और तरीके से लिख सकते हो, 10 प्लस 10 प्लस 10 को किसी और तरीके से लिखा जा सकता है, बोल सकते हो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 होता है, इसके जगह 10 को कैसे रिप्रेजेंट करने से मुझे सेम ही आंसर आएगा, बोलो। तुम लोग सभी ने इंडिसेस किया है, इंडिसेस में हम लोगों ने वही सीखा है, ठीक है, कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो इंडिसेस तो कुछ दिन पहले ही तुम लोगों ने सीखा है, बोलो 10 into 10 10 into 3, हाँ आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है, 3 into 10 मतलब 30, तो इंडिसेस में तो यही सीखे थे, और ऐसे भी इंडिसेस का क्या है, बचपन से सीख रहे हो कि 3 10 को ऐसे नहीं लिख के, अगर हम लोग ऐसे भी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो वही बताता है हाउ मेनी टाइम्स ए डेटा रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है कि 10 का 3 बार लिखने से क्या वैल्यू आएगा, क्या हम इसे f into x लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये मेरा f हो गया और ये मेरा x हो गया, तो हम इसको x into f फॉर्म में लिख देंगे, मेरा कितना आ जाएगा 30, मतलब सीधा बात है यहां से यहां तक का डेटा का टोटल मुझे मिल गया 30, ठीक है। 14 मेरा 2 टाइम्स था तो 14 into 2 कितना हो जाएगा 28, मतलब ये दोनों डेटा को टोटल करने से जितना आता है उतना मुझे मिल गया। 16 तो एक ही बार था तो 16 आ जाएगा, ये देखो ये डेटा का टोटल भी मुझे मिल गया। 18 दो बार है तो 18 का दो बार हो जाएगा 36, और 20 मेरा एक ही बार है तो ये हो गया 20, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया, पूरे डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, ये शॉर्टकट तरीका हो गया, और यही हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए जब बहुत ज्यादा रिपीटेशन होगा, ठीक है, तभी तो हम लोग सीख रहे हैं। तो इसका टोटल कितना आ गया,
इसका टोटल आ जाएगा, वही आएगा जो यहां पर है। सोच के देखो, मैंने तो इसी का टोटल को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। मैंने किया क्या, यहां पर जो टोटल लिखा हुआ है इसको मैंने 10 × 3 कर दिया तो भी मुझे 30 ही मिलेगा, 18 × 2 कर दिया तो भी मुझे इन दोनों का टोटल जो है वही मिलेगा। ठीक है, 16 एक बार है तो 16 ही आया, 20 × 2 14 × 2 तो 130 अगर इधर आया है तो इधर भी ऑब्वियसली 130 आएगा। अब अगर मुझे निकालना है एवरेज, जिसको हम बोलते हैं एक्स बार, ठीक है, यहां पर ये देखो ये एक्स बार निकाला हम लोगों ने, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मुझे क्या करना है 130/9 करना है, तो मुझे 130 यानी समेशन एफ ऑफ एक्स करना है डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना होता है। उसका भी लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ भी चीज नहीं होता है। क्योंकि देखो अगर तुम लोग बोलोगे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस तो 5 हुआ, तो हम लोग नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, कहां 5 हुआ, 10 तो 3 बार है, 14 तो 2 बार है, 16 एक बार है, 18 2 बार है और 20 एक बार है, यानी ये तो कंसाइज कर दिया है हम लोगों ने। डेटा थोड़ी ना 5 बार है, ठीक है, डेटा तो 9 बार ही है, तो इसीलिए फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला बनता है समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी ये वैल्यू हो जाएगा, तो आंसर वही 14 पॉइंट कितना आ जाएगा जो पहले आया हुआ था, 14.44। ठीक है, समेशन एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बहुत से लोग सिग्मा भी बोलते हैं। अब जिसको जो आदत है बोल सकते हो, मैंने पहले ही बोल रखा है कि इसको सिग्मा या समेशन दोनों में से कोई भी एक बोला जा सकता है, समेशन बिकॉज टोटल होता है, इसीलिए सिग्मा जो है ये अलग लैंग्वेज में समेशन को बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग ऐसे फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो फॉर्मूला मेरा एरिथमेटिक मीन निकालने का क्या हो गया, एक यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फॉर्मूला था समेशन एक्स बाई एन। देखो यहाँ पर और इसमें फॉर्मूले में डिफरेंस क्या हुआ, ये फॉर्मूला मेरा कैसे बना था, ये फॉर्मूला मेरा बना था समेशन एक्स बाई एन, और यहाँ पर क्या बन गया, समेशन एफ ऑफ एक्स बाई समेशन एफ। ठीक है, क्यों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, एक डेटा जितना बार ऑकर हुआ है उसको टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल कितना डेटा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने एक्स के वैल्यू को किसमें असाइन कर दिया है, एफ एक्स में। ठीक है, और एफ एक्स अगर मुझे पता करना है कि एफ एक्स जो है जितना बार है, एफ एक्स के वैल्यू से हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पता नहीं कर सकते, मुझे एफ देखना पड़ेगा। 30 बोल के कोई डेटा था ही नहीं कि हम बोलेंगे 30 एक डेटा, 28 एक डेटा, डेटा तो मेरा ये था। ठीक है, तो मेरा 30 एक्चुअली 10 थ्री टाइम्स था, तो मुझे फॉर्मूले में ये लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एवरेज निकालने का तरीका हो गया, सेम क्वेश्चन से हम लोग निकाल सकते हैं, मैंने दिखा दिया। लेकिन ये हो गया हम लोग अगर डिस्क्रीट वाला मेथड, और ये हो गया अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही यूज करना चाहिए जब मेरा डेटा में रिपीटेशन है, और अगर सिंगल डिजिट है कोई रिपीटेशन नहीं है जैसे कि ये वाला था तो फिर जरूरत नहीं, तब कैसे यूज करोगे, कर ही नहीं सकते हो, फ्रीक्वेंसी में 1111 लिखना पड़ेगा, जैसे ये 16 का कोई मतलब रिपीटेशन नहीं था तो इसको हम लोगों ने 1 ही लिखा है ना। अच्छा अब देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मूला क्या हो, देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो क्लास दे दिया मैंने 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39, और फ्रीक्वेंसी ले लिया मैंने 5, 4 और 2। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, देखो इसके पहले तो हम लोग ये एक्स है, ठीक है, इसके पहले तो हम लोग एफ एक्स कर ले रहे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्स का एक ही सिंगल वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 10 से लेके 19 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें 10 ले 11 ले 12 13 14 15 16 17 18 19 कंफ्यूजन है क्या ले। ठीक है, इस केस में हमें निकालना पड़ता है मीड वैल्यू यानी कि मिडिल वैल्यू, तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास जो इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, इसका हम लोग मिडिल वैल्यू निकालेंगे। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये देखो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने से होगा क्या इसको, ये तो नॉन ओवरलैपिंग है, क्यों, 90 पे खत्म 20 पे स्टार्ट, तो क्या इसे ओवरलैपिंग करना जरूरी है मिड वैल्यू निकालने के लिए, नहीं जरूरी नहीं। अगर तुम लोग देखोगे मैंने जो मिडिल वैल्यू का तुम लोगों को जो मतलब फॉर्मूला लिखवाया था वहां पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जब मिडिल वैल्यू निकालते हैं तो
क्लास लिमिट से भी जो आंसर आएगा, क्लास बाउंड्री यूज करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो फिर इसको क्या जरूरत है क्लास बाउंड्री में करने के लिए, तो हमें थोड़ा और भी ज्यादा टाइम इसमें देना पड़ेगा ना 0.5 का एड लेस। तो क्लास लिमिट से भी मिडिल वैल्यू जो आएगा क्लास बाउंड्री से भी वही आएगा, तो हम लोग लिमिट से ही करेंगे। तो 10 + 19/2 20 + 29/2 और 30 + 39/2 मिडिल वैल्यू निकालना है। तो इसमें कितना हो जाएगा देखो, 29/2 यानी 14.5 होगा, 49/2 यानी 24.5 होगा, और ये हो गया 69/2 मतलब 34.5/2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया पता है, मिड वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं x ऑफ m, ठीक है, x का मिडिल वैल्यू, x ऑफ m का मतलब x का मिडिल वैल्यू। अब देखो, अब इस चीज को हम लोग ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास x का सिंगल वैल्यू रहता तो हम fx करके निकाल ही सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, मेरे पास x का सिंगल वैल्यू नहीं था, ये जो डेटा प्रेजेंटेशन था, तो मैंने x का सिंगल वैल्यू निकाल लिया, x का सिंगल वैल्यू निकाल लिया। अब हम प्रीवियस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम f इनटू x ऑफ m कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में लेके तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो और उसमें मेमोरी प्लस करते जाओ, जैसे कि हम समझाते लास्ट दिन भी तुम लोग को मेमोरी प्लस का एक कंसेप्ट दिखाया था, तो तुम लोग उसी को फॉलो करो। ये देखो, पहले हम यहाँ से पूरा मेमोरी जो है खाली कर देते हैं। अब कैसे करके कैलकुलेट होगा, देखो 14.5 × 5 कर लो, ठीक है, कितना आ गया 72.5, लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम पहला क्वेश्चन है तो एक बार यहाँ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट तुम लोग क्या करोगे, इसको मेमोरी प्लस कर लोगे, ठीक है, मेमोरी में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट तुम लोग क्या करोगे, 4 × 24.5, तो ये जितना भी आ जाएगा इसको मेमोरी प्लस करो, ठीक है, हम एक बार लिख भी रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया मेमोरी प्लस में, फिर से ले लिया मैंने 2 × 34.5, तो ये हो गया 69, ठीक है, अगेन तुमको यहाँ पर मेमोरी प्लस में ले लेना है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखो और तो कुछ मल्टीप्लीकेशन है नहीं, तो मेमोरी प्लस मैंने सारा ही ले लिया, तीन डेटा था। अब करो मेमोरी रिकॉल, जैसे जब भी मुझे वैल्यू पता करना है मुझे मेमोरी रिकॉल करना पड़ेगा। अब मैंने मेमोरी रिकॉल किया, करने से क्या होगा, ये जो टोटल है ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका टोटल मेरा हो गया 239.5। हाँ, ऑब्वियसली कैलकुलेटर यूज करने आना चाहिए, गलत सलत कैलकुलेशन कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ये हो गया 239.5। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x बार निकालना है, तो x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन, ये देखो ये समेशन बार, एक्चुअली मैंने क्या किया, f ऑफ x ऑफ m का टोटल कर लिया, समेशन ऑफ f ऑफ x ऑफ m डिवाइडेड बाय समेशन f लेना है। उसका लॉजिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मेरे यहाँ पर ये डेटा कितना बार रिपीट होगा, एक्चुअली क्या हो रहा है, इस रेंज में 5 डेटा है, ठीक है, तो मैंने जो मिडिल वैल्यू लिया वो 5 टाइम्स रिपीट करेगा, मिडिल वैल्यू 4, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि इससे इसके बीच में सिर्फ यही वाला डेटा, ये कितना बार है, 5 बार, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन कौन सा डेटा 5 बार है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर टोटल करने से कितना आ जाएगा, 4 + 2 = 6, 6 + 5 = 11 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में लिखेंगे 11, यहाँ हो गया 239.5। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको 11 कर लो, आंसर आ जाता है कुछ इतना 21.77, ठीक है, ये हो गया 21.77, ये मेरा हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मेरा जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी रहा। तो देखो मैंने सारा चीज समझाया कि अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो कैसे कैलकुलेट करना है, बाय यूजिंग मिडिल वैल्यू, और भी मेथड है वो भी बताएंगे, लेकिन कैलकुलेशन उतना ज्यादा डायरेक्टली नहीं आएगा, अलग अलग तरीके का कैलकुलेशन आएगा, लेकिन हर एक मेथड पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी का हो गया, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये हो गया डिस्क्रीट वाला, ठीक है, मतलब जहां पर कोई फ्रीक्वेंसी वाला बात नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द मीन वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ BBA students ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो हम इसका कैलकुलेशन तुम लोग को यहीं पर दिखाते हैं। देखो ये क्या है, ये है मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले x ऑफ m निकाल लेना चाहिए, हम सभी का मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या करना है 44 + 48
डिवाइडेड बाय टू कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 46, ठीक है, ये मेरा कितना आ गया 46। अच्छा अब अगर मेरा डेटा इवन लेंथ वाला है, मतलब हम पहले अपने ये छोटे से एग्जांपल से तुम लोग को समझाते हैं। यहाँ पर देखो 10 to 19, ठीक है, 10 से लेके 19 जितना डेटा है, ठीक है, तो 9 डेटा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ठीक है, तो ये जो गैप बन रहा है, ये जो गैप मतलब ये 10 से लेके 19 है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 10 डेटा है, सॉरी 9, 8, 10, मतलब इवन क्लास लेंथ है, मतलब हर एक क्लास इंटरवल में जो गैप है वो इक्वल है, 10-10 का है, जैसा भी हो इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल होता है तो हम लोग का जो डिफरेंस आता है उसको ऐड करने से नेक्स्ट मिडिल वैल्यू निकल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये कितना आया 14.5 मिडिल वैल्यू, कैसे निकाला, ये दोनों को टोटल डिवाइडेड बाय 2 करके। अब हम लोग देखेंगे सारे क्लास इंटरवल का जो गैप है वो कितना है, तो हम लोग का जो क्लास लेंथ है, देखो मैंने इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था, क्लास लेंथ जब भी निकालना है तो हमें अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री करके ही करना पड़ेगा, तब हम लोग क्लास लिमिट से नहीं कर सकते। अगर तुम लोग के पास कॉपी में लिखा हुआ है तो देख सकते हो, तो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री करना पड़ेगा। अब ये तो क्लास बाउंड्री नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो गैप है, गैप होने से क्लास बाउंड्री नहीं होता है, हमें इसको ओवरलैपिंग करना पड़ता है, तो ओवरलैपिंग में ये 9.5 आएगा, ये 19.5 आएगा, ये 19.5 आएगा, ये 29.5 आएगा, ठीक है, और ये 29.5 आ जाएगा और ये 39.5 आ जाएगा। अब देखो गैप 19.5 से 9.5 का कितना हो जाएगा, सॉरी ये डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 10। अब देखो पहले मिडिल वैल्यू के साथ इवन क्लास लेंथ को अगर ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट मिडिल वैल्यू मिल जाएगा 24.5, इसमें फिर से 10 ऐड करो 34.5। बार-बार टोटल करके डिवाइड करने से अच्छा है कि हम लोग ये चेक कर ले कि मेरा क्लास लेंथ कितना है, तो हम लोग क्लास लेंथ अगर इवन है तो उसको यूज करके हम लोग मिडिल वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन में हम वही दिखाना चाहते हैं। देखो यहां पर x जो है xn, ठीक है, यहाँ पर कितना आया, अभी आया था यहाँ 46, ठीक है, अब ये सब में गैप कितना आया, अगर तुम लोग 48 माइनस 44 करोगे तो आंसर 4 आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या होगा, गैप कितना आ जाएगा 4 का, अब 46 में अगर तुम लोग 4 ऐड कर दोगे तो तुम लोग का मिडिल वैल्यू जो है ये 50 आता है, ठीक है, देखो 46 में अगर 4 ऐड कर दोगे मिडिल वैल्यू 50, लेकिन ये दोनों को टोटल करके देखो ये 50 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, 49 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 51, मतलब मेरा मिडिल वैल्यू कितना होना चाहिए 51, तुम लोग गैप कितना ले रहे हो 4, ठीक है, तो तुम लोग का आंसर 50 आ जाएगा, गलत आएगा, क्यों, क्योंकि क्लास लेंथ का फॉर्मूला कभी भी लो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट नहीं होता है, क्लास लेंथ का जो फॉर्मूला है वो हम लोग का होना चाहिए, देखो ये जो डिफरेंस है वो हमारा होना चाहिए हमेशा क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लास बाउंड्रीज कितना हो जाएगा, तो 44 से अगर हम लोग यहाँ पर कितना करेंगे 43.5, ये कितना हो जाएगा 48.5, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, तो गैप कितने का आएगा 48.5 माइनस 43.5, तो ये हम लोग का 5 करके गैप आएगा, ठीक है, 5 करके हर जगह पे तुम लोग को गैप मिलेगा इसका चेंजेस कर लेने पे, ठीक है, तो 5 करके अगर गैप मिलेगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 51, या तो ओवरलैपिंग कर लो या फिर इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अब ये 51 हो गया, इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे 56, इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे 61, इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे 66, इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे 71, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने 6 मिडिल वैल्यू निकाल लिया। अब एफ, एफ दिया हुआ है 3, 4, 5, 7, 9 और 8, ठीक है, तो F इंटू एक्स एम ये हमें निकालना पड़ेगा, तो 46 इंटू 3, ये देखो 46 इंटू 3, अब तुम लोग इसको भी जो है मेमोरी प्लस में करते जाओ, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है, तुम लोग मेमोरी प्लस में कर लो, 204, 56 इंटू 5, ये हो गया मेरा 280, 61 इंटू 7, ये हो गया 427, फिर यहाँ पर 66 इंटू 9, तो ये हो गया 594, 71 इंटू 8, तो ये मेरा हो गया 568, ठीक है, अब मेमोरी प्लस करोगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। अच्छा अब ये देख लेते हैं इसका टोटल कितना है, 3 + 4, 7, 7, 7, 14, 14 + 5, 19, 19 + 9, 36, ठीक है, 138 + 204 + 280
प्लस 427 प्लस हो जाएगा 594 प्लस 568, ठीक है। ये देखो मैंने मेमोरी प्लस नहीं किया तो मुझे दोबारा ऐड करना पड़ रहा है, यही बेनिफिट है मेमोरी प्लस करने से, मुझे डायरेक्टली मिल जाता। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार का समेशन एफ इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाई समेशन एफ, तो 2211 डिवाइडेड बाई 36। अब चेक करते हैं कितना हो, तो ये आंसर हो रहा है मेरा कुछ इतना 61.41, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं 61.41, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो आंसर हमारा मैच हुआ कि नहीं, देखो ये आ गया 61.42, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सेम तरीके से ही किया हुआ है, मिडिल वैल्यू निकाल के ही किया हुआ है। तो ये जस्ट मैंने प्रोसेस बताया कि कैसे करके तुम लोग कर सकते हो, मिडिल वैल्यू को कैसे निकाल सकते हो, यहाँ किया हुआ है। अगर तुम लोग मेरे साथ साथ कॉपी में कर लोगे तो एक दो क्वेश्चन तुम लोग का भी रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें फिर और एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है और ये भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसका भी हम लोग चाहे तो मिडिल वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, या फिर दूसरा, अभी देखो हम लोग दूसरा एक मेथड सीखेंगे। अभी मैंने मिडिल वैल्यू वाला सिखाया ना, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए मिडिल वैल्यू के अलावा दूसरा एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, वो वाला करेंगे। देखो अभी हम लोग नया मेथड सीखेंगे, एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा देखो यहाँ पर क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा, ऑब्वियसली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन इनटू सी, बहुत से लोग इसे आई भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल एन भी लिख सकते हो या फिर इसको जो है समेशन एफ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये कैपिटल एन भी लिख सकते हो या समेशन एफ भी लिख सकते हो। मैंने ये स्लैश मतलब और दिया है, ठीक है, स्लैश मतलब मैंने और लिखा है ये वाला, ठीक है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ए का मतलब होगा एज्यूम्ड मीन, ठीक है, अभी सीख लेंगे कैसे करके होगा, अभी लिखो एज्यूम्ड मीन। अच्छा एफ का मतलब होगा समेशन एफ या फिर कैपिटल ए, इसका मतलब होता है जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा हुआ है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो सीखा ना हम लोगों ने, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। सी का मतलब होगा क्लास लेंथ, इसको आई से भी कभी कभी डिनोट किया जाता है, ठीक है, आई या फिर सी, ठीक है। अच्छा और एफ इंटू डी, अच्छा एफ तो पता है, डी बताते हैं, देखो डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए बाई सी, ठीक है, जिसमें ए पता है एज्यूम्ड मीन, सी पता है क्लास लेंथ और एक्स का मतलब एक्स का अलग अलग वैल्यूज होगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो हम एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल ही करके दिखाते हैं तुम लोग को, 14.1.3 वाला, 14.1.3 वाला, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है, क्लास इंटरवल दे दिया है 350 से 369, ठीक है, 350 से 369, 370। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हम लोग निकालेंगे एक्स एम, हम डायरेक्टली निकाल रहे, क्वेश्चन को और नहीं लिख रहे, ठीक है, हम पहले मिडिल वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं मिडिल वैल्यू मेरा कितना आएगा, 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 2 करने से मिडिल वैल्यू आएगा, आंसर आ रहा है 359.5, तो हम लिख लेते हैं 359.5, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम लोग ये डिफरेंसेस देखेंगे और ऐड करते हुए जाएंगे, तो देखते हैं कितना होगा। तो अगर ये मेरा 349.5 होता है और ये 369.5 होता है, तो ये गैप देखने से ही मुझे पता चलेगा कि यहाँ कितना ऐड होना चाहिए, तो 369.5 माइनस
349.5, तो गैप जो है 20 का है, ठीक है। हर जगह पे सेम ही गैप दिखेगा, क्योंकि देखो ये गैप अगर हर जगह पे सेम है, ठीक है, यहाँ पर अगर हर जगह पे ये गैप सेम है, तो फिर पॉइंट लगाने से भी तो सेम ही गैप होगा, तो तुम लोग चेक करके देखना, सेम गैप है, 20 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग, हाँ बोलो मैम, 368.5 होगा ना, 368, नहीं वो तो ये 368 क्यों होगा, ये पीछे वाले में तो ऐड होता है, सामने वाले में माइनस होता है, उसमें 0.5 ऐड होगा, लेस थोड़ी ना होगा कि वो 368 होगा। अपर क्लास बाउंड्री में क्या होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें भी थोड़ी ना माइनस होगा, इसमें तो प्लस होगा। अरे हाँ ना बोलो, Yes, ma'am. तो इसमें थोड़ा ना प्लस माइनस होता है, एक में माइनस, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2 होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2 होता है ना, तो d/2 तो 0.5 आता है नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन में, इसमें भी आ रहा है, d/2 निकालना सीखे हम लोग, तो माइनस पहले वाले से होता है और इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20 ऐड हो जाएगा, तो 20 ऐड कर लेते हैं, 20 ऐड करने से मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर 359.5, तो ये आ गया 379.5, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे, ठीक है, 20-20 का ही गैप है, 399.5, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 419.5, फिर इसमें 20 का एडिशन हो जाएगा 439.5, फिर इसमें 20 का एडिशन हो जाएगा 459.5, फिर 20 का एडिशन हो जाएगा 479.5, बस इतना ही लिखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 क्लास इंटरवल्स था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने क्या निकाल लिया, सबसे पहले मिडिल वैल्यू निकाल लिया, अच्छा तुम लोग चाहो तो ऐड ऐड करके डिवाइड टू करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को नोट डाउन करते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 23, 38, 58, 23, 38, 58, 82, 82, 65, 31, 11, 82, 65, 31, 11, 65, 31 और 11, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना है, f into x of m, ये प्रोसेस तो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड सीख रहे हैं, मतलब ये सारे चीजों का एप्लीकेशन करना है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा d, देखो अगर हम d निकाल लेंगे तो मुझे f into d मिल जाएगा, देखो f तो मुझे मिल ही गया है, मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, फॉर्मूला मुझे कुछ ऐसा बता रहा है, तो मुझे a ढूंढना पड़ेगा, assumed mean क्या होता है वो हम बता देंगे, summation of f या फिर capital N हमें मिल चुका है, इसका टोटल करोगे तो तुम लोग को मिलेगा ना n, या फिर summation of f, एक ही बात है जो भी बोलो, इसका टोटल तुम लोग को मिल जाएगा, इसका टोटल कितना होगा 23, 38, 58, 82, 65, 31 और 11, 308, ठीक है, इसका टोटल हो गया 308, तो देखो इस फॉर्मूले में मुझे f मिल चुका है, अच्छा मुझे अब d चाहिए, देखो d निकालेंगे ना तो a भी मिलेगा c भी मिलेगा, d को जैसे ही कैलकुलेट करने जाओगे तुम लोग को a c दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है, और d मिल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे तो f d भी मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद का जो कॉलम बनाएंगे दैट इज d, ठीक है। d का फॉर्मूला क्या है, d का देखो ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, d का फॉर्मूला होगा x माइनस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। अच्छा x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब ये सभी x है, ये अलग अलग x है, ठीक है, x हमें पता है, a का मतलब assumed mean, assumed mean का मतलब होता है कि assumption लो कि इसमें से ही कोई तुम लोग का average data है, चाहो तो कोई भी assumption ले सकते हो, कुछ भी, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, कोई भी assumption लोगे आंसर आएगा, लेकिन हमें हमेशा मिडिल वैल्यू लेना चाहिए ताकि हमारे कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। मिडिल वैल्यू कैसे ले सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो ये मिडिल आ रहा है, मिडिल लेना क्या नेसेसरी है, नहीं बिल्कुल नहीं, आंसर के लिए तुम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में से कोई भी डेटा को एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, लेकिन मिडिल वैल्यू लेने से कैलकुलेशन इजी होता है, इसीलिए मिडिल वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि हम लोगों का
जो है ऑड डेटा है तो इसमें तो एग्जैक्ट मुझे मिडिल मिल रहा है, इवन डेटा होता है तो नहीं मिलता है एग्जैक्ट मिडिल। जैसे मान लो ये मेरा सेवन डेटा था, ठीक है, सेवन डेटा है ना, तो मुझे यहाँ पर मिल गया इधर से तीन छोड़ा, ये मिडिल वाला। लेकिन अगर ये मेरा सेवन के जगह एट डेटा होता तो मिडिल में मेरे पास दो वैल्यू आता, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, बाकी कोई भी लिया जा सकता है। रीजन ये है कि कैलकुलेशन ईजी हो, इसी वजह से हम लोग मिडिल वाला यानी ये वाला इसको हम मानेंगे एट, ठीक है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो ए मेरा कितना आ गया, हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 419.5। अच्छा, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है मेरा क्लास लेंथ। क्लास लेंथ मेरा कितना था 20, उसी को तो मैंने ऐड कर करके ये मिडिल वैल्यू निकाला। मैंने क्या बोला, क्लास लेंथ को ऐड करेंगे पहला मिडिल वैल्यू निकालने के बाद, क्लास लेंथ को ऐड करने से मुझे दूसरा मिडिल वैल्यू मिलता जाता है, ठीक है। तो क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस तो तुम लोग कैसे निकालोगे, मैंने एक का चेंज करके दिखाया था ना अभी, 349.5 और 369.5, इन दोनों का गैप देख लो 20 ही आता है, 369.5 माइनस 349.5 कितना आ गया 20। ऐसे करके तुम लोग सबको जब ओवरलैपिंग बनाओगे हर एक क्लास इंटरवल का गैप जो है तुम लोग का, यानी क्लास लेंथ जो है तुम लोग का 20 ही आएगा। तो मैंने यहां पर 20 लिख लिया। अब x क्या है, x कभी ये वाला वैल्यू होगा, कभी ये वाला वैल्यू होगा, कभी ये वाला वैल्यू होगा, ऐसे करके कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका कैलकुलेशन का भी एक तरीका है। सबसे पहले जो एज्यूम्ड मीन माने हो, क्यों मैंने मिडिल वैल्यू माना है वही हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो एज्यूम्ड मीन माने हो उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर मेरा जो ए है वही मेरा एक्स है, क्योंकि ये तो मेरा एक्स का सीरीज है, जो मेरा ए है वही मेरा एक्स है। मतलब यहाँ पर एक्स के जगह कितना लिखेंगे, 419.5। ए तो मेरा फिक्स्ड है, 419.5 डिवाइडेड बाई 20, इसका आंसर जीरो आएगा। क्यों, ये और ये माइनस करने से जीरो, जीरो बाई 20 जीरो आ जाएगा, तो मेरा ये आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे तुम लोग कभी नंबर लाइन देखे हो, नंबर लाइन यहाँ जीरो होता है, इधर होता है वन टू थ्री करके पॉजिटिव डॉट डॉट डॉट, इधर होता है माइनस वन माइनस टू करके डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम लोग मिडिल वैल्यू को एज्यूम मीन लेते हैं ना, तो हमारा कैलकुलेशन वो नंबर लाइन की तरह ही दिखता है, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, देखो हम लोग का लोअर साइड में प्लस डेटा आएगा, वन टू थ्री, क्या ये बिल्कुल आएगा करने से, हाँ अभी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। यहाँ हो गया माइनस वन माइनस टू और ये माइनस थ्री आएगा, चेक करके देख लो। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते ये सब दिमाग नहीं लगा के, तो x का वैल्यू लगाते 359.5, a है मेरा 419.5 डिवाइडेड बाय 20, चलो चेक कर लो, 359.5 माइनस 419.5 60 बाय 20, ठीक है, माइनस 60 आया है ना, माइनस 60 बाय 20 कितना हो गया, माइनस 3, ठीक है। सेम तरीके से तुम लोग अगर सेकंड वाला देखोगे, देखो 379.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाय, यहां पर दिखा देते 20, देखो आ गया माइनस 2। नेक्स्ट वाला देखो 399.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाय 20, आ गया 1 माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से। और इसके नीचे डेटा जो है इसको भी कैलकुलेट करोगे तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जितना भी है, जैसे यहाँ तीन तक है तो तीन तक ही आएगा। देखो हम फिर यहाँ भी दिखा देते हैं, 439.5 माइनस 419.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, ये आ गया मेरा कितना, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग चेक करके देखना, यही आएगा। तो ये टेक्निक को फॉलो करने के लिए ये आसान सा तरीका है, तुम लोग को क्या करना है, मिडिल का वैल्यू को एज्यूमिंग मानना है। अगर ये मिडिल के जगह कुछ और मानोगे तो ये आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा, उसका भी रीजन सुन लो क्यों नीचे की तरफ पॉजिटिव आता है, 419 के बाद ये डेटा बढ़ रहा है, तो मेरा अगर इधर वाला फिक्स्ड है, इधर का डेटा अगर बिगर होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जो है यहां जितने से भी डिवाइड क्यों ना हो पॉजिटिव आएगा। और इधर देखो स्मॉलर डेटा है तो फिर मेरा आंसर माइनस, मतलब ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में होता है अगर तुम लोग मिडिल वैल्यू को मानते हो। तो देखो मैंने डी निकाल लिया, अब नेक्स्ट मुझे देखो, मैंने फॉर्मूले में ए ढूंढ लिया, सी ढूंढ लिया, समेशन एफ ढूंढ लिया, डी ढूंढ लिया, अब मुझे एफ इंटू डी करना है और उसका टोटल लगाना है। समेशन यानी टोटल, मुझे क्या करना है, एफ इंटू डी करना है, ठीक है। तो एफ इंटू डी, तो 23 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 69, 38 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 76, माइनस 58, जीरो,
65, फिर ये हो गया 62, फिर ये हो गया 33. अब क्या करना है मुझे, इसका टोटल लगाना है, तो समेशन एफ ऑफ डी मुझे लगाना है, तो देखते हैं कितना होगा. तो पहले हम पॉजिटिव वाले डेटा का टोटल करेंगे, 65, 62 प्लस 33 जितना भी आया, माइनस 58, माइनस 76 और माइनस 69, तो ये हो गया माइनस 43. ठीक है, माइनस 43 हो गया. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. देखो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, एक्स बार क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ या कैपिटल एन इनटू सी. तो अज्यूम्ड मीन मैंने कितना माना है, 419.5, ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है अज्यूम्ड मीन मैंने जो माना है. फिर यहां पर हो जाएगा प्लस समेशन एफ डी है माइनस 43 और समेशन एफ है 308 इंटू 20. और ये पूरा कैलकुलेशन ही हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे. कैसे करना है देखो, पहले इधर का कैलकुलेशन करो, माइनस 43 मेरे कैलकुलेटर पे दिख ही रहा है, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 308 कर लो, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया. ठीक है, ये देखो ये इधर का पूरा कैलकुलेशन हो गया इधर का. ठीक है, अब क्या करना है, ये 419.5 इसमें प्लस करना है, तो प्लस कर दो 419.5, तो ये जितना भी आएगा वही हम लोग का आंसर होगा, 416.707 है, 416.71 कर सकते हैं, बाकी जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से तुम लोग को करना पड़ेगा. तो ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड. अब ये सीखने का रीजन यही है कि ये हमारे कैलकुलेशन को आसान कर देता है. इसी का अगर तुम लोग एफ एम निकालते तो ये कैलकुलेशन कितना बड़ा होता, सोचो 359.5 into 23. ठीक है, इसको कैलकुलेट करते फिर यहाँ पर तुम लोग को निकालना पड़ता एफ इंटू एक्स एम. तुम लोग सोचोगे उसी से भी तो निकल सकता था जो फॉर्मूला पहले सिखाया, बिल्कुल, लेकिन इसमें कितना बड़ा बड़ा डिजिट आएगा ये देखो, मैंने पहले कैलकुलेट किया है तो तुम लोग को लिख के दिखाते एक डेटा, 8268.5 इस तरीके का बड़ा बड़ा डिजिट आएगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा. वैसे कैलकुलेटर पे हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मेथड, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ये मेथड इसीलिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि कैलकुलेशन में डिजिट्स जो है वो काफी आसान है, कैलकुलेशन आसान तरीके से हो. ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर तुम लोग का फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. क्या इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल से की बोलो तो ये इधर आंसर टा फाइनल आंसर टा कौन सा मेरा लो, ये तो कैलकुलेटर ही तो लगा चुका 416. मैम ये जो कैलकुलेशन है इधर तो आगे बोर्ड मास्टर रूल होना चाहिए, आगे तो मतलब मल्टीप्लिकेशन तो करते हो आगे बोर्ड मास्टर रूल पूछ लो. মানে ম্যাম 419.5 প্লাস যেটা ছিল মাইনাস 43 ইনটু 20 বাই 308, বাট ওটাতে তো আগে ইনটুটা করতে হবে না, আমি তো ইনটুই তো করেছি, এই দুটো ইনটু তারপর ডিভাইড তারপর প্লাস. ম্যাম एक्चुअली আমি না মাইনাস 43 ইনটু 20 করেছি, করে বাই 308 করে পয়েন্টে যেটা এসেছে তার সাথে 419.5 অ্যাড করে দিয়েছি. আমি তো তাই তো করলাম, আমার তো এটা মাইনাস 43 তো অলরেডি দেখাই যাচ্ছিল ক্যালকুলেটার, আমার এটা ক্যালকুলেশন করাই ছিল, তারপরে আমি 20 ইনটু করেছি দিয়ে 308 ডিভাইড করেছি তারপরে এটা, এটাই তো করতে হবে, এটাই তো করতে হবে, নাহলে কি করব. আচ্ছা দেখো, আর ইয়াহা পর 14.1.4 इसमें देखो हमें बता दिया है कि मीन वैल्यू जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का कितना है, मतलब x बार हमें बता दिया है, हम लोग को बोला है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, हाइट ऑफ जो 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 100 है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है क्योंकि टोटल 100 स्टूडेंट्स का डेटा हमें बताया है और यहां से हमें ये दोनों वैल्यू को जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. देखो इसको हम करके दिखा रहे, देखो 14.1.4 अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दे तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम लोग एफ एम एक्स एम, एक्स का मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो एक्स एम निकाल लेते, तो एक्स एम कितना हो जाएगा, 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो देखो 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया 61. ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा 61.
अच्छा फिर नेक्स्ट वैल्यू कितना आएगा, इसको चेंज करो, ओवरलैपिंग करो, 59.5 62.5 चेक करते हैं, 62.5 माइनस 59.5 ये करने से आ रहा है 3 का गैप, ठीक है। बाकी देखो सभी में सेम गैप है, 60 से 62, 63 से 65 सब सेम गैप है, मतलब सभी में 3-3 का गैप हमें एड ऑन करते जाना है तो मुझे मिडिल वैल्यू मिल जाएगा। कहां तक लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच डेटा लिखना है, ठीक है। तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, अगेन 3 ऐड करेंगे तो ये 67 हो जाएगा, ठीक है। फिर 67 में 3 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, फिर ये 73 हो जाएगा। तो मैंने XM निकाल लिया। F मेरा कुछ जो है मिसिंग है, जैसे कि 5 है, एक 18 है, उसके बाद लगातार दो जो है वो मिसिंग है, फिर 8 है। तो यहाँ पर F 1, 2, 3 इसको हम F3 लिख रहे हैं, तुम लोग XY भी लिख सकते हो, F3 मतलब फ्रीक्वेंसी 3 के लिए मैंने F3 लिखा है, तुम लोग XY भी लिख सकते हो, ठीक है, A B कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ 8 ले लिया। अब इसका टोटल मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन वैल्यू पता है 100, ठीक है, क्योंकि मेरा F3 F4 है तो 100 होगा। लेकिन बाकी इसको भी एक बार टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। 5 + 18 + 8 ये 3 डिजिट तो टोटल हो ही जाएगा, तो 31 प्लस F3 प्लस F4 ये हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया, ये 3 डिजिट को टोटल किया 31 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है D। D कैसे कैलकुलेट होता है, X माइनस A बाई C करके, ठीक है। D कैसे कैलकुलेट होता है, X माइनस A बाई C करके, इसमें से एज्यूमिंग हम कौन सा मानेंगे, मिडिल वैल्यू को, तो ये मैंने मान लिया, ठीक है। बाकी गैप मेरा 3 का था, ये हो गया मेरा 67, तो मुझे हमेशा यहां से स्टार्ट करना है। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा 0 आएगा, देखो 67 माइनस 67 बाई 3 0, अगर ये 0 आया फिर 64, तो आगे वाला माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 64 है, कम वैल्यू है, और नीचे वाला जो है प्लस आ जाएगा, तो फिर 1, 2, ठीक है, ऐसे 0 के बाद 1, 2, चाहो तो चेक कर लो। ये देखो 61 माइनस 67 होता है माइनस 6, माइनस 6 बाई 3 माइनस 2, 64 माइनस 67 हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3 बाई 3 माइनस 1, ये 0 हो गया। 70 माइनस 67 3 होता है, पॉजिटिव 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो गया। 73 माइनस 67 देखते हैं कितना आता है, 73 माइनस 67 ये 6 आता है, डिवाइडेड बाई 3 कर लो 2 आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, F इंटू डी, ठीक है, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है, या एज्यूमिंग मेथड, F इंटू डी, तो 5 इंटू माइनस 2 10, 18 इंटू माइनस 1 18, F3 into 0, 0 हो गया, F4 into 1, F4 हो जाएगा, 8 into 2, 16 हो गया। अब इसका मुझे चाहिए टोटल, तो टोटल करते हैं, 16 और यहाँ पर माइनस 18 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 12 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर x बार लिखेंगे, x बार का फॉर्मूला मैंने जो मेथड यूज किया उसके लिख लेना मैम, लिखी नहीं माइनस 12 प्लस F4 होगा, अच्छा प्लस F4 होगा, ये देखो ये माइनस 12 प्लस F4 होगा, ठीक है। अब देखो एज्यूमिंग कैसे होगा, a प्लस समेशन ऑफ FD डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F इनटू C, ठीक है। एज्यूमिंग में a कितना माना है 67, ठीक है, FD डैश कितना आया है माइनस 12 प्लस F4, माइनस 12 प्लस F4, ठीक है, और समेशन ऑफ F कितना है ये, और C कितना आया था, C मेरा आया था हर जगह पे, ये देखो 3 आया था, ठीक है, C मेरा 3 आया था। अब ये समेशन F ये आया हुआ है, लेकिन मुझे समेशन F का ना वैल्यू भी पता है, वो लिख लेंगे तो मुझे F4 मिल जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं समेशन F ये जरूर आया है, लेकिन मुझे ये भी तो पता है ये टोटल 100 है, क्यों, क्योंकि मुझे तो बोला है ये डेटा कितने लोगों का है, 100 स्टूडेंट्स का है, तो टोटल समेशन F 100 होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम 100 लिखेंगे तो मेरा बेनिफिट क्या होगा, मुझे F4 मिल जाएगा। X बार मुझे क्वेश्चन में गिवन है 67.45, ये देखो 67.45। अब इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे, ये 67 को इधर लेके आओ, ठीक है, ये सब कैलकुलेटर पे ही करना है, लेकिन हम एक बार दिखा देते हैं, माइनस 12 प्लस F4 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 0.45, माइनस 12 प्लस F4 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर 3, ठीक है, ये मल्टीपल बाय 3 है। अब मल्टीप्लाई करो तो देखो 100 इनटू ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम तुम लोग के लिए एक दो लाइन लिख देते हैं, बाकी तुम लोग भी कोशिश करो जितना ओरली कर पाते हो, माइनस 36 प्लस 3 F4 हो गया,
तो 100 इनटू 0.45 ये कितना आ गया 45, ये 36 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो गया 3F4, ठीक है। अच्छा अब लगाओ टोटल, देखते हैं कितना आएगा, 81 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा F4, ठीक है। तो F4 कितना हो गया, 81 से डिवाइड 3 कर लो, 27 हो गया। जैसे F4 पता चल गया, इस इक्वेशन में पुट करके F3 भी पता चल जाएगा। कैसे, मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन मिला है, F31 प्लस F3 प्लस F4 100 है, इसमें से मुझे F4 पता चला अभी अभी 27, ठीक है। तो 31 प्लस F3 प्लस 27 मेरा 100 हो जाएगा। तो F3 कितना होगा, 100 माइनस 27 माइनस 31, या फिर 27 प्लस 31 कर लो 58, तो 100 माइनस 58 कर लो, जितना आएगा कितना हो जाएगा 42। तो F3 निकल गया 42। एक बार हम चेक कर ले आंसर मैच हुआ कि नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। F4 27 और F3 42, हाँ चलो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज था, हम लोग को मिल गया। कैसे करके कैलकुलेट करना है, देखो ये लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। आसान तरीके से अगर तुम लोग स्टेप डिविजन मेथड लगाओगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ इतना सारा स्टेप नहीं होगा, ये पूरा चीज तुम लोग को कैलकुलेटर में कर लेना पड़ेगा। तो देखो इसके बाद से ऑब्वियसली थोड़ा सा तुम लोग को लिख के करना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस माइनस करके जो आ रहा है ये सब तुम लोग कैलकुलेटर में करके डायरेक्ट में ये पुट कर दिया, ठीक है। ये लाइन चाहो तो स्किप कर सकते हैं ना, ये लाइन भी स्किप कर सकते हैं, छोटा छोटा लाइन हम लोग स्किप कर सकते हैं, इतने सारे लाइन का ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो मेथड मैंने एक बार सारा बता दिया कि कैसा कैसा मेथड हम लोग को फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद देखो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो हम लोग का एमसीक्यू है तो कैलकुलेशन ये सब, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन ये सब तो कम से कम 3 to 4 मार्क्स का होता है, तो ये सब आने का चांसेस जो है कम होता है। हमें जो है थियोरिटिकली भी चीजों को समझना पड़ता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अभी तुम लोग जब सॉल्व भी करोगे ना इसका जो मतलब एक्सरसाइज है तो देख सकते, प्रॉपर्टी ऑफ एरिथमेटिक मीन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो हम यहां से बता देते हैं, तुम लोग अपना जो है इसको हाईलाइट कर लेना पीडीएफ में। बोल रहा है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, देन एम इज आल्सो के, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया वो बताते हैं, देखो बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, assumed by a variable are constant, अगर मेरे सारे observations constant है, जैसे कि example के तौर पे मान लो मैंने एक set of observation लिया, set of observations, ठीक है, और सारे observations जो है x का जो भी values है वो सब constant है, constant का मतलब 20 20 20 20 20 ऐसे, मतलब कुछ changes नहीं है, variations नहीं है, ठीक है, सभी मेरा 20 है। तो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि देन एरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो के, मतलब अगर वैल्यू मेरा के है, जैसे कि यहाँ पर के मतलब मैंने कितना लिया है 20, बोल रहा है कि मेरे सारे वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, मेरे यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू मैंने 20 लिया है, बोल रहा है अगर इसका एम निकालोगे तो भी तुम लोग को के ही मिलेगा, देख लो के मिलता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 5 20s है, ठीक है। मैंने इसको नॉर्मल मेथड से किया, तुम लोग 20 जो है वो 5 टाइम्स लिख के भी कर सकते हो, तो ये यहाँ पर 100 और 5 देखो कितना आ जाएगा 20, मतलब अगर वेरिएशंस नहीं है ऑब्जर्वेशन में, 10 तुम लोग 10 ले लो इसके जगह 5 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर ये 10 10 10 10 10 होता तो एम भी 10 होता, अगर ये 5 5 5 5 5 होता, मैंने 5 बार लिखा है, 5 से ज्यादा भी लिख सकते हो, बात इतना सा है कि अगर मेरे सारे ऑब्जर्वेशन जो है कॉन्स्टेंट है तो एम भी कॉन्स्टेंट होगा। मतलब पहले प्रॉपर्टी का कंक्लूजन क्या निकल के आया, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के देन एम इज आल्सो के, ठीक है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, जैसे कि अगर के है, के का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो मेरा एम भी के निकल के आएगा, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी जो पढ़ रहे हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा इसके बाद जो यहाँ पर प्रॉपर्टी बोला है वो देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोला है, बोल रहा है कि एक्टर लाइन देखा बाकी है।
আর একটু উপরে। স্ক্রিনশট নো, স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। দেখো ক্যা বোল রা হ্যায়, দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ ডেভিয়েশনস অফ এ সেট অফ অবজারভেশন ফ্রম দেয়ার অ্যারিথমেটিক মিন ইজ জিরো ফর আনক্লাসিফাইড ডেটা। তো ক্যা বোল রা, দেখো দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ ডেভিয়েশন অফ এ সেট অফ অবজারভেশন ফ্রম দেয়ার অ্যারিথমেটিক মিন ইজ জিরো, ইহি প্রপার্টি হ্যায়। ইস প্রপার্টি কো সমঝতে হ্যায় ক্যা বোল রা হ্যায়। তো হম লোগ পহলে এক সেট অফ অবজারভেশনস লেতে হ্যায়, লাইক এক্স লে লিয়া, এক্স কা মানে কুছ ভ্যালু লে লিয়া, 2, 6, 8 অর 12, ঠিক হ্যায়। আব ইসকা হম নিকালেঙ্গে পহলে एक्स बार यानी कि एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 + 6 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 8 + 2 = 10, 10 + 10 = 20, 28 हो गया, 28/4 ये हो जाएगा मेरा 7, ठीक है, ये मेरा 7 आ गया। अच्छा अब मुझे करने क्या बोला है, प्रॉपर्टी मुझे क्या बोल रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एल्जेब्रिक सम मतलब ये वाला, डेविएशन मतलब गैप यानी माइनस होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन, अगर हम लोग एडिशन करते हैं किस चीज का, डेविएशंस का। अच्छा डेविएशन यानी माइनस, अब किस चीज का माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए तो मुझे दो डेटा चाहिए, दो डेटा को माइनस कर सकते हैं, किससे किसको माइनस करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का उसके एरिथमेटिक मीन से, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का उसके एरिथमेटिक मीन से, ठीक है। तो मेरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स, एरिथमेटिक मीन को हम क्या बोलेंगे, ए डॉट एन या फिर एक्स बार, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा 2 - 7, 6 - 7, 8 - 7, 12 - 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 5, ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 1, ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 1, नहीं सॉरी ये प्लस 1 आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा 5। तो ये क्या आ गया, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है कि गैप निकालना। अब गैप निकालने के लिए हम लोग मैथ्स में क्या ऑपरेशन यूज करते हैं, माइनस ऑपरेशन यूज करते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया एरिथमेटिक का मतलब ही होता है प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर एवरेज हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे वहां पर एड करेंगे माइनस करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन मैंने कर दिया, डेविएशन निकल गया। अच्छा अब इस डेविएशन का करेंगे सम, क्योंकि देखो क्या बोला है यहाँ पर, द एल्जेब्रिक सम, सम किस चीज का होना चाहिए, ऑफ डेविएशंस का, ठीक है, डेविएशंस का सम होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने डेविएशंस निकाल लिया, डेविएशंस का मुझे सम चाहिए। अब डेविएशन कैसे निकाला, ऑब्जर्वेशन का उसके एम से गैप निकाला, ऑब्जर्वेशन का उसके एम से मैंने गैप निकाला। तो इसका टोटल हो जाएगा मेरा कितना, +5 - 5 + 1 - 1, ये मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये मैंने समेशन किया, तो इसलिए समेशन साइन लगाया, किसका समेशन किया, एक्स माइनस एक्स बार का, क्योंकि एरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार भी बोल सकते हैं, तो 0 आ गया, ठीक है। तो मेरा प्रॉपर्टी क्या बोला था, मेरा प्रॉपर्टी यही बोला था, उसको हम तुम लोग को लैंग्वेज में लिखा देते हैं, बाकी देखो यहाँ लिखा हुआ है, तुम लोग यहाँ से भी लिख सकते हो, फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं, अगर मेरे साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर ए एम इज 0, ठीक है। क्या लिखवा दिया मैंने यहाँ पर, प्रॉपर्टी लिखवा दिया, देखो तुम लोग के सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखवा दिया, बाकी वहां से मिल जाएगा, तुम लोग वहां पर पेंसिल से भी पॉइंट आउट कर सकते हो। बोल रहे द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर एरिथमेटिक मीन, डेविएशन किस चीज का कैसे निकालेंगे, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का उसका एरिथमेटिक मीन से, तो फिर उसके बाद उसका अगर सम करेंगे तो मेरा आंसर ऑलवेज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, ये वाला देखो यहां पर,
पॉइंट नंबर थ्री, चेंज इन ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या फिर माइनस, और चेंज इन स्केल. स्केल का मतलब होता है इनटू अ डिवाइड. हेलो भाई, आज देखो, एक मान लो मैंने कुछ वेरिएबल्स लिया है 8, 10, 12 और 10. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मतलब प्रॉपर्टी है, इससे काफी सारा क्वेश्चन पूछता है. चेंज इन ओरिजिन का मतलब ओरिजिनल डेटा में अगर हम लोग कुछ वैल्यू को ऐड या लेस कर रहे हैं, ठीक है. जैसे मान लो ये ओरिजिनल डेटा को हम चेंज कर रहे हैं, कैसे, इसमें हम एक्स प्लस टू करके चेंज कर रहे हैं, तो 8 कितना हो जाएगा 10, 10 कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो जाएगा 14, 10 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन चेंज किया. प्लस करने से ओरिजिन चेंज होता है, माइनस करने से भी होता है. चलो एक माइनस भी दिखा देते. मैंने मान लो x माइनस 5 कर लिया, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, 10 माइनस 5 5, 12 माइनस 5 7, 10 माइनस 5 5 हो गया. अब जैसे ये x है तो इसको भी हम कुछ नाम दे देते. मैंने z, ठीक है. मैंने क्या दिखाया, चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस माइनस दोनों दिखाया. चलो स्केल भी दिखाते हैं. तो इसको स्केल को क्या करते हैं, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ओरिजिनल डेटा में. तो ये x में मान लो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 हो जाएगा 16, 10 हो जाएगा 20, 12 हो जाएगा 24 और 10 हो जाएगा 20. और अगर हम डिवाइड करते हैं, मानो मैंने x by 2 ही कर दिया, तो 8 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे 4 आएगा, 10 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे 5 आएगा, 12 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे 6 आएगा, अगेन 5 आएगा, ठीक है. और हम लोग स्केल चेंज ओरिजिन चेंज एक साथ भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने x में 2 मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिया, ठीक है. 2 मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड कर दिया. मैंने ओरिजिन में x प्लस लिया और स्केल चेंज में इनटू लिया. ये भी हम लोग, सॉरी, ओरिजिन में हम लोगों ने प्लस लिया और स्केल चेंज में हाँ इनटू लिया है. तो इसमें चेंज होने के बाद डेटा कैसे दिखेगा, 8 × 2 = 16, 16 + 3 = 19 हो जाएगा, 10 × 2 = 20, 20 + 3 = 23 हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 24 + 3 = 27 हो जाएगा, 10 × 2 = 20, 20 + 3 = 23 हो जाएगा. अच्छा, ये करके क्या फायदा होगा, देखो अब क्या करना है, अब हर एक डेटा का तुम लोगों को एवरेज निकालना है. मतलब चेंज हो जाने पे जो डेटा मिल रहा है और ओरिजिनल डेटा, सबका तुम लोगों को एवरेज निकालना है. तो कैसे करके निकालेंगे, यहां पर हम पहले निकालते हैं एक्स बार, ठीक है. एक्स बार तो कितना हो जाएगा, देखो 10, 10, 20, 10, 30, 8 + 2, 10, ये 40 आ रहा है, ठीक है. 40 और 4 डेटा है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर लो. इसका आंसर हम लोग का एक्स बार का आ जा रहा है यहाँ पर 10, ठीक है. एक्स बार का आंसर 10 आ गया. चलो अब इसका निकालते हैं, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर हो गया 8, 48 by 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है. अच्छा, इसमें टोटल करते हैं, 5, 5 + 10, 10 और 7 + 3, 10, 10, 10, 20, 20 by 4, कितना आ गया 5, 20, 20, 20 मतलब 60, 60 और यहां पर हो गया 20, 60 और 20 हो जाएगा 80, 80 by 4, 20 आएगा, ठीक है. अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 5, 5, 10, 10 और 4 + 6, 10 मतलब 20, 20 by 4, ये आ गया मेरा 5, ठीक है. अच्छा, अब इसका टोटल करते हैं, 19 और 2 बार 23 है, तो देखते हैं 23 × 2 कितना हो गया 46 और ये हो गया 27 + 19, 92 by 4 कितना आया 23, ठीक है. अच्छा, अब ये सब कैलकुलेट करके क्या फायदा है, देखो समझाते हैं. पहले तो मैंने तुम लोग को बताया कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल कैसे करके कर सकते हैं. ओरिजिन चेंज का मतलब है ओरिजिनल डेटा में कुछ भी वैल्यू प्लस या माइनस करना. मैंने यहाँ पर +2 - 5 किया, तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके एग्जाम्पल सेट कर सकते हो. स्केल चेंज का मतलब है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना. मैंने 2 लिया है, तुम लोग कोई भी डेटा ले सकते हो और दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं. अब देखने वाला चीज क्या है, ओरिजिनली हम लोग का जो एरिथमेटिक मीन है वो 10 आया,
ठीक है। और जब हम लोगों ने ओरिजिन चेंज किया प्लस टू किया तो देख सकते हो कि मेरा एवरेज में जो डिफरेंस है वो भी प्लस टू का है। देखो ये यहां से कंपेयर करके समझने वाला है, अगर मैंने ओरिजिनल डेटा में प्लस टू किया तो ओरिजिनल वाला एवरेज और चेंज होने के बाद जो एवरेज आया उसमें भी डिफरेंस उतने का ही होगा जितना चेंजेस जिस तरीके से हुआ है। जैसे कि यहाँ पर प्लस टू का चेंजेस है तो यहाँ भी प्लस टू दिखेगा। सिमिलरली तुम लोग देखो यहाँ माइनस फाइव हुआ था, अब देखो हम दूसरे वाले कलर से दिखाते हैं, ये टेन था और ये कितना आ गया फाइव आ गया। ठीक है, तो इसमें देखो माइनस फाइव का इंपैक्ट आया, टेन माइनस फाइव मतलब एवरेज भी उतने से ही चेंज होगा। ठीक है, एवरेज भी उतने से ही चेंज होगा, तो मेरा ओरिजिनल एवरेज और चेंज एवरेज में भी माइनस फाइव का ही जो है डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है। अब यहां से यहां वाला देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, देखो चेंज क्या किया था, टू मल्टीप्लाई किया था तो मेरा एवरेज में भी टू का चेंजेस दिखेगा। ये देखो ओरिजिनल एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टू 20 हो गया। ठीक है, देखो प्रूव हो गया। अच्छा अब ये वाला देखो, दूसरा ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने डिवाइडेड बाय टू किया था, देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय टू किया था तो देखो डिवाइडेड बाय टू, टेन डिवाइडेड बाय टू कितना हो गया फाइव हो गया। ठीक है, अब ये 23 वाला समझो, 23 में क्या किया था, ओरिजिनल डेटा में टू मल्टीप्लाई किया था और थ्री एड किया था, तो इसको हम कैसे दिखाएं, अच्छा इसको हम ऐसे दिखाते हैं। देखो ओरिजिनल डेटा में क्या किया था मैंने, यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो मुझे 10 में ये जो है इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 करना पड़ेगा। चलो प्लस 3 करते हैं तो कितना हुआ, 20 प्लस 3 कितना हो गया 23। यहां पर भी तो हम लोगों ने वही किया ना, देखो 10 प्लस 2, यहां पर 10 प्लस 2, यहां 10 माइनस 5, यहां 10 इंटू 2, यहां 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ओरिजिनल एवरेज और उसमें जो चेंजेस है वो अप्लाई करने से हमारा वही वाला एवरेज आएगा जो चेंज करने पे आया। मतलब क्या बोला है देखो, अब यहाँ पर लाइन पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है, एरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल विच इंप्लाइज दैट इफ ओरिजिनल वेरिएबल x इज चेंज टू अनदर वेरिएबल y बाय इफेक्टिंग ए चेंज ऑफ ओरिजिन से k एंड स्केल से b, ठीक है, देन एरिथमेटिक मीन ऑफ y इज गिवन बाय y बार इक्वल टू a प्लस b x बार। मतलब क्या बोला है कि ओरिजिन डेटा, ओरिजिनल डेटा का अगर किसी भी तरीके से स्केल चेंज या ओरिजिन चेंज होता है, ओरिजिनल डेटा का किसी भी तरीके से स्केल या ओरिजिन चेंज होता है तो उसका एवरेज भी सेम तरीके से इंपैक्टफुल होगा। ठीक है, और इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, देखो ये वाला याद रखना है, वाई बार इक्वल टू ए प्लस वाई बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। ठीक है, इसका मतलब ये वाला चीज को समझने में हमें आसानी होगा। देखो यहाँ तो मैंने सिंगल सिंगल दिखाया है, ठीक है, कि सिर्फ ओरिजिन चेंज, सिर्फ स्केल चेंज, लेकिन हमारा क्वेश्चन ना दोनों का मिक्स्ड अप रहेगा, ओरिजिन और स्केल दोनों का मिक्स्ड अप रहेगा तो भी हमारा सेम इंपैक्ट होगा। तो इसमें देखो हम लोगों का ए कितना है, ए मतलब देखो यहाँ पर प्लस बी हुआ है तो बी मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा था 2x प्लस 3, अगर तुम लोग इसको देखोगे तो ये हो गया 2x प्लस 3, मान लो मैंने इसको y लिखा है, y इक्वल टू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो 2x प्लस 3। ठीक है, तो मुझे अगर पूछे कि ओरिजिन और स्केल चेंज का इंपैक्ट कैसे आया तो हम कैसे बोलेंगे, देखो 2x है तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2, ठीक है, ये प्लस 3 है तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, और 2 देखो ये 2 क्या है, 2 मेरा जो है ये स्केल चेंज है, 2 इंटू एक्स करना पड़ेगा तो x कितना आएगा, x बार, ये देखो ना ये क्या है 10 मेरा तो बार ही था तो ये रहा 10, तो इसको कैलकुलेट करने से मुझे y बार मिल जाएगा, मतलब ये चेंज डेटा का एवरेज मिल जाएगा। देखो मिल गया 23, मैंने तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा था उसी को फॉर्मूले में ट्रांसफर किया है, उसी को फॉर्मूले में ट्रांसफर किया है कि अगर ओरिजिनल एवरेज को हम लोग चेंज में ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग का ट्रांसफर्ड वैल्यू का एवरेज निकल के आता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, बाकी मैंने देखो तुम लोग को क्लियरली यहाँ पर समझाया कि कैसे करके चेंजेस होता है, चारों टाइप का चेंजेस मैंने तुम लोग को यहाँ पर कर करके दिखाया है। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा चेंजेस होता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन कैसे रहेगा, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है वो भी हम दिखाते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बोल रहा है इफ इट इज नोन दैट टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय दिस वन, ये एक
जो है मुझे इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, एंड एक्स बार 15 दे दिया है, मतलब ओरिजिनल डेटा, ठीक है, ये तो चेंज हुआ है, ओरिजिनल जो डेटा था उसका एवरेज 15 है. एरिथमेटिक मीन ऑफ वाई इज गिवन बाय दिस वन, वाई बार मुझे दे दिया है -7 -2 इनटू एक्स बार बाय 3. मुझे बोला है वाई बार निकालो. कैसे निकालें? क्योंकि हमें पता है कि चेंज डेटा का एवरेज अगर निकालना है तो यहां पर मुझे ओरिजिनल वाला एवरेज पुट करना है. देखो वही पुट किया है, पुट करके आंसर निकाला, ठीक है. तो इसका जो मतलब है ये यही है कि अगर मेरा चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से एरिथमेटिक मीन जो है वो इंपैक्टफुल होता है, ठीक है, उतने से ही होगा जितने से चेंजेस हुआ है. अगर ओरिजिनल एवरेज 10 है, ओरिजिनल डेटा में +2 हुआ है, तो जो चेंजेस डेटा है उसका एवरेज भी मेरा +2 करके आएगा, ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा. तो मैंने क्लियरली ये बता दिया, बाकी तुम लोग को फॉर्मूले में ये याद रखना है, ठीक है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा. अच्छा अब देखो नेक्स्ट, तो जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन तो हम फॉर्मूला टा यूज करते हैं. हां बोलो কত তে কেটে গেল y equals to a plus b x বার ওটা ওটা তখন ইউজ হবে যখন মানে চেঞ্জ ইন অরিজিন এন এই টাইপের সামনে. হ্যাঁ যখন এরকম কোশ্চেনে বলে দেবে তখন আমাদেরকে ওই ফর্মুলাটাকে ইউজ করতে হবে, ওই কনসেপ্টটা ইউজ করে সলভ করতে হবে. এখন দেখি একটা কোশ্চেন পেলে দেখাচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবে কিরকম থাকবে. রুকো এক কোশ্চেন দিখাতে হ্যায়. अच्छा और एक प्रॉपर्टी है वो बता देते हैं, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन दिखाएंगे. देखो तो एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन, या फिर यहां पर देखो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन और कंबाइंड एरिथमेटिक. कंबाइंड मीन और कंबाइंड या फिर कॉम्पोजिट मीन भी बोलते हैं. हाँ कॉम्पोजिट मीन, कॉम्पोजिट मीन भी बोलते हैं, और मीन का मतलब एरिथमेटिक मीन, ठीक है. अच्छा अब देखो एक्स बार यहाँ पर सी लिखने से कंबाइंड हो गया, ठीक है, ये लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है. फॉर्मूला होगा एन वन एक्स वन बार एन टू एक्स टू बार डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, ठीक है, जहां पर एन वन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप वन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप टू, ठीक है. एक्स वन बार का मतलब मीन एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप वन, और एक्स टू बार का मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप टू. समझाते हैं क्या है, ठीक है. देखो यहां पर अगर कंबाइंड मीन बोल रहा है मतलब क्या, किसी भी चीजों को एड ऑन करना है, किसी भी दो तरीके के चीज या दो से ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मली दो ही रहेगा, हमें क्या करना है दो से ज्यादा वैल्यू के एवरेज को कंबाइन करके दिखाना है, ठीक है, दो से ज्यादा वैल्यू के एवरेज को कंबाइन करके दिखाना है. जैसे देखो हम यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर मान लो कि मेरा ग्रुप मतलब दो ग्रुप में डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप वन और यहाँ पर मैंने कर दिया ग्रुप टू. मैंने मान लो कि स्टूडेंट लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, फिर मैंने उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, ठीक है, ये मान लो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन. तो ग्रुप वन में आउट ऑफ 10 मिला है 5, 7 और 9, ठीक है, और ग्रुप टू में मिला है मान लो 2, 7 और 7 नहीं कुछ और ले लेते हैं लाइक 8 और यहाँ पर ले लिया मैंने 10, ठीक है. अच्छा अब फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ले भी सकते हो, बिना फ्रीक्वेंसी के भी हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं. चलो बिना फ्रीक्वेंसी के ही दिखाते हैं, अभी फ्रीक्वेंसी में नहीं दिमाग लगा रहे, ठीक है, मैंने तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है. तो ग्रुप वन में मार्क्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल करते हैं 9 + 7 + 5 कितना हो गया 21, ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 3 तो 7 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर ये समेशन क्या हो गया, x हो गया, मुझे अगर x बार निकालना है तो 21 बाय 3 ये कितना हो जाएगा 7. अच्छा इसका समेशन निकालते हैं, ये हो गया 20 बाय 3. एक काम करते हैं इसमें ना कुछ और वैल्यू लिखते हैं ताकि ये मेरा राउंड में आंसर दे. इसे अगर हम लिख देते हैं 24, ठीक है, तो मेरा ये 4 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 6 है, 18, 8 + 6, 8 + 6, हाँ
24 आ जाएगा. 24 आने से मेरा डिवाइड करने में जो है राउंड में आंसर आएगा. ठीक है, तो ये हो गया x बार 24 बाई 3, तो ये 8 हो गया एवरेज. ठीक है, तो मेरे दो ग्रुप का एवरेज कितना आ गया, 7 और 8 आ गया. अगर मुझे बोले कि कंबाइंड भी बोलो एवरेज कितना होगा, तो हम कैसे बोलेंगे, अगर दो ग्रुप का नहीं बता के एक ही ग्रुप का बताओ, तो हम बोलेंगे मतलब दोनों का मिला के बताओ. तो 5 + 7 + 9 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे. देखो तीन तीन छह स्टूडेंट का मैंने डेटा लिया, तो 5 + देखो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 9 = 21 होता है, इधर का टोटल 24 होता है. 24 + 21 कितना हो जाएगा, 5, और ये 45 बाई 6, ये कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 6. ये हो गया 7.5. ठीक है, तो अगर सभी का मुझे एवरेज निकालने बोले तो ये ऐसा होगा. अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले में करते हैं, N1 मतलब क्या है, N1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप वन. ग्रुप वन में कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, देखो तीन ऑब्जर्वेशन है, तो 3 × क्या होगा, x1 बार. तो x1 बार कितना आया था, 7. ठीक है, प्लस करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2 n2 x2 बार, मतलब 3 × 8. ठीक है, डिवाइडेड बाय मुझे करना है n1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1, यानी 3 + 3. ठीक है, अब देखते हैं आंसर कितना आता है, 21 + 24. देखो वही आ गया ना, 21 + 24 डिवाइडेड बाई 6, यानी 45 बाई 6, यानी कि 7.5. कंबाइंड बिन का मतलब है कि ग्रुप वाइज मत बताओ, टोटल में बताओ. तो मैंने क्या किया, देखो सिंपल जो लॉजिक है, मैंने सारे डेटा को लेके टोटल करके जितने सारे ऑब्जर्वेशन था उतने से डिवाइड कर दिया. लेकिन हम लोग को फॉर्मूला ये फिर क्यों सीखना है, मतलब तुम लोग तो ऐसे सोच ही सकते हो कि मुझे अगर डेटा दे देगा तो हम कैलकुलेटर पे लेंगे, फटाफट लिखेंगे, आंसर आ जाएगा. मुझे ये अलग से सीखने का क्या जरूरत है, ये अलग से सीखने का इसीलिए जरूरत है क्योंकि हमारे पास ना ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर मुझे ये वैल्यू दे देगा, ठीक है, ये वैल्यू दे देगा, बाकी मुझे निकालने के लिए बोलेगा, तो बिना फॉर्मूले के ऑन दैट मोमेंट हम लोग नहीं निकाल सकते. बाकी कंसेप्ट ये है, अलग कुछ भी नहीं है. मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप में मीन का वैल्यू निकालना है. अगर मुझे स्प्लिट करके डेटा दिया हुआ है तो मुझे उसको कंबाइन करके निकालना है. तो देखो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा. अगर मुझे एवरेज निकालना है नीचे, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ता है. तो दो ग्रुप में जितने भी ऑब्जर्वेशन है मिला के ही टोटल ऑब्जर्वेशन आएगा, यानी n1 + n2, जिसको हम लोग नॉर्मली n लिखते हैं. अगर n दो पार्ट में डिवाइडेड है तो फिर n1 + n2. यहां पर मुझे क्या लिखना है, टोटल वैल्यू कैसे लिखेंगे. देखो एक एक जन को अगर 7 मिला है, टोटल 3 लोग है, तो मतलब टोटल 21 मिला है इस ग्रुप में सभी स्टूडेंट को मिला के. अगर एक एक जन को एवरेज 8 मिला है, टोटल 3 लोग है, तो फिर 24 मिला होगा. तो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे लगाया गया. तो अगर टोटल 21 और 24 कुल मिला के 6 लोगों को मिला है, ठीक है, तो 21 + 24 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो एक एक जन को कितना मिला है, मुझे कंबाइंडली बताना है. तो ये हो गया इसका कंसेप्ट, ठीक है, कि कैसे करके कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आए. अब ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. अब देखो क्यों याद रखना पड़ेगा, हम यहां से क्वेश्चन दिखाते हैं. देखो यहां पर क्या बोला है, देखो द मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर. ठीक है, मीन सैलरी, मीन मतलब एवरेज सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर. मतलब एक ग्रुप हमें पता चल गया, एक ग्रुप का नाम है फीमेल ग्रुप. ठीक है, फीमेल ग्रुप में कितने फीमेल है, 40 फीमेल है. इनका एवरेज सैलरी कितना है, 5200 है. ठीक है, एवरेज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से. ठीक है, और नंबर ऑफ जो भी मतलब नंबर ऑफ वर्कर हो, फीमेल हो मेल हो, उसे एम से डिनोट करते हैं पर मंथ. एंड दैट फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर. और एक मुझे ग्रुप पता चला जो कि है मेल का ग्रुप. ठीक है, मेल में 60 वर्कर है. अब जैसे ही मुझे दो डेटा मिल रहा है तो एक को n1 लिखेंगे, दूसरे को n2 लिखेंगे. ठीक है, इनका जो है एवरेज जो वेजेस है वो है 6800 पर मंथ. ठीक है, व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी. तो मुझे इसका फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n1 x1 बार. ये देखो n1 x1 बार. अब इसको भी x1 x2 से डिनोट करना पड़ेगा. सिर्फ x से कैसे कर सकते, क्योंकि मेरे पास दो डेटा है. तो ये देखो 40 × 5200
6800 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ये कैलकुलेट करने से इतना आ जाएगा। ये तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। देखो कंसेप्ट समझने से मतलब है, क्वेश्चन में तो डेटा इधर उधर करके मेल फीमेल के जगह कुछ और लिख के कुछ भी दे सकता है, लेकिन अगर तुम लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो फिर याद कर लोगे, याद कर लोगे तो जहां भी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां से आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा ठीक है, हम लोगों ने पूरा मीन कंप्लीट कर लिया। अब देखो तुम लोग यहां से मुझे बताना, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं देखो एक्सरसाइज से। ठीक है, सेट बी से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि अभी देखो जो प्रॉपर्टी मैंने तुम लोग को सिखाया उसी से क्वेश्चन करेंगे। सेट बी का कौन सा क्वेश्चन करें, सबसे पहले हम सेट बी का क्वेश्चन वन पूछेंगे तुम लोगों से। इफ देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशन देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन कितना होगा, बोलो। आज ही मैंने तुम लोग को इसका, अभी थोड़े देर पहले तुम लोग को इसका जो है प्रॉपर्टी बताया उसी के हिसाब से बोलो। तीन ऑब्जर्वेशन है, इसका सम करना है, इसका नहीं, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन से उसका जो है डेविएशन निकाल के उसका सम करना है, तो आंसर क्या आएगा, 0, 5, -5, नन ऑफ दिस। थोड़े देर पहले ही मैंने लिखा है, तुम लोगों ने जिन्होंने नोट डाउन किया है उनके कॉपी में दिखेगा जरूर, बोलो क्या आंसर होगा। जीरो, जीरो, ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, अभी तो मैंने यही लिखवाया तुम लोग को, तो सिर्फ लिखने से होगा, समझना भी तो पड़ेगा। ये देखो, देखो क्या बोला है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन इज जीरो। कोई भी ऑब्जर्वेशन हो उसका अगर हम लोग डेविएशन निकालेंगे उसके एरिथमेटिक मीन से, फिर उसका टोटल निकालेंगे, वो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, मैंने बोला ना प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछेगा, बिना प्रॉपर्टी के क्या पूछेगा, वन मार्क्स के लिए बोलो ना। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया था 15, 20 और 25, हम दिखा देते इसमें भी जीरो होगा, तुम लोग खुद भी वैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। x माइनस एरिथमेटिक मीन मुझे करना है, एरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा, ये सब का टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 20, 40, 50 और ये हो गया 60, 60 by 3, ये आ जाएगा मेरा 20। तो 15 minus 20, 20 minus 20, 25 minus 20, तो ये हो गया 5, 0 और ये माइनस 5, ये प्लस 5, तो देखो जीरो आ गया। तो वही सम करोगे डेविएशन का, ये क्या निकला, डेविएशन, डेविएशन का सम करोगे, ऑलवेज जीरो आएगा, ये ऑप्शन ए के साथ मेरा मैच होता है। ठीक है, अच्छा अब सेट बी का हम लोग ये तो नहीं कर सकते, ये मीन मीडियन जियोमेट्रिक मीन। अच्छा चलो टेंथ नंबर का बताओ, इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशन हैविंग 50 and 60 arithmetic mean, then the combined arithmetic mean, अभी अभी last किया, combined arithmetic mean निकालने बोला है, बोलो। पहले मुझे ये बताओ 30 का मतलब क्या है, 20 का मतलब क्या है, 50 का मतलब क्या है, 60 का मतलब क्या है, क्योंकि combined arithmetic mean में हमें x1 bar चाहिए, x2 bar चाहिए, n1 चाहिए, n2 चाहिए, तो मुझे ये वाला मिल जाता है। तो मुझे बोलो यहाँ पर 30, 20, 50, 60 कौन सा क्या है, पढ़ के ही बोल सकते हो, इसके लिए तो कुछ फॉर्मूले का भी जरूरत नहीं, वो तो खुद पढ़ोगे क्वेश्चन तो बोल पाओगे कि क्या है। 30 क्या है मैम, 54, हाँ आंसर 54, आंसर 54 होगा, सही बात, आंसर 54 होगा। ये देखो N1 मतलब, देखो N1 मतलब नंबर ऑफ जो भी ग्रुप में डेटा है, तो 30 जो पहला मिलेगा उसे N1 लिख दो। ठीक है, इसका कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है, हम 30 को N1 लिखें कि 20 को N1 लिखें, जो डेटा पहले मिलेगा उसे ही मुझे N1 लिख देना चाहिए। अच्छा X1 बार और X2 बार, X1 बार कितना है 20, X2 बार कितना है 60 है। अब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो देखो एक्स कंबाइंड मीन, ठीक है, तो कंबाइंड मीन पे क्या हो जाएगा, 20 into 30, ठीक है फॉर्मूला देख लो, 20 into 30 प्लस 20 into 60 डिवाइडेड बाय 30 plus 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 600, ये सब तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो आराम से, ये हो गया 50, तो ये हो जाएगा 1800, नहीं सॉरी मैंने क्या गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया शायद,
एन वन इंटू एक्स वन बार 30 और ये हो गया मेरा एन वन 30 था, एक्स वन बार कितना था 50 था, अच्छा सॉरी मैंने ये ना 50 के जगह कुछ और लिख लिया है, 50 था, 50 और 60, हाँ ये 50 था, 30 इंटू 50 1500, 1500 1200 कितना हो जाएगा 2700, 2700 और डिवाइडेड बाय 50, 54 आएगा, ठीक है ऑप्शन सी 54 आएगा, ऑप्शन सी के साथ मैच होगा। अच्छा अब देखो 11th नंबर वाला, देखो क्या बोला है, द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000 एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000, तो दो स्किल्ड वालों का अनस्किल्ड वालों का दोनों का सैलरी 12,000, what is the percentage of skilled worker? मतलब मुझे N1 पूछा है, ठीक है N1 या N2, तो देखो पहले क्वेश्चन में अनस्किल्ड वर्कर है, अब अगर हम लोग N1 को क्या मान रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है कि हम लोग N1 क्या मान रहे हैं, N2 क्या मान रहे हैं, तो पहले हम एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर देखो इस तरीके से रीराइट करते हैं, देखो यहाँ पर अनस्किल्ड, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ना पहले अनस्किल्ड का ही बात बोला है तो मैंने अनस्किल्ड लिख लिया, अनस्किल्ड वर्कर का सैलरी का एवरेज है 10,000, तो X1 बार ये लिख दिया मैंने 10,000, ठीक है और इसी को मैंने N1 लिख दिया, और दूसरा ग्रुप का नाम है स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर को फिर हम X2 बार और N2 से डिनोट करेंगे, इनका भी सैलरी दिया हुआ है दैट इज 15,000, और कंबाइंड सैलरी, जो कंबाइंड सैलरी है वो मुझे इस क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब X बार मुझे दे दिया है यहाँ पर 12,000, ठीक है मुझे क्या निकालने के लिए बोला है पता है, मुझे बोल रहा है स्किल्ड वर्कर कितने हैं, मतलब मुझे N2 निकालने बोल रहा है, N2 कितना है ये निकालने बोला है, ठीक है तो देखो फॉर्मूला क्या है, X1 बार इंटू N1 तो दिए बोलो मैम বলছি সামস্টাতে তো আমাদের নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স যেটা যেটা N1 বা N2 সেটা তো প্রোভাইড করেনি, হ্যাঁ তো ও হবে ক্যালকুলেশন হয়ে, দেখো X1 বার কিতনা হ্যায় 10,000 এই নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স ধরে নেব, N1 N2 ধরে কর, এটা সলভ করতে হবে রেশিও মতো আসবে, দি ওটাকে ইনটু 100 করলে आंसर আসবে। अच्छा देखो N2 ही रखेंगे क्योंकि मुझे तो पता नहीं है N1 N2 का वैल्यू कितना है, अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12,000 N1 प्लस 12,000 N2 10,000 N1 प्लस 15,000 N2। अच्छा अब N1 एक साइड में लेके आते हैं, मतलब 12,000 माइनस 10,000 मतलब ये 2,000 N1 होगा, और इसको इधर लेके जाते हैं तो ये 3,000 N2 होगा, मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, ठीक है अब दोनों साइड से 3-3 जीरो हटा दो, मतलब 2N1 इक्वल टू 3N2, ठीक है अब हम इसको रेशियो फॉर्मेट में मतलब N1 by N2 करके लिखते हैं, ठीक है तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 3/2, ये बहुत से जन गलत करते हैं ये लिख देते हैं 2/3, ऐसा नहीं होगा कभी भी, N1 into 2 है तो क्या N1 का वैल्यू 2 है, नहीं N1 में मल्टीप्लाई 2 है, तो लिखने के बाद ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना चाहिए कि प्रीवियस लाइन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, मिसमैच तो कहीं नहीं किया है तो फिर गलत लिखा होगा, तो ऐसे हो गया। अब हमें क्या मिल गया, बेसिकली हम लोग इसको रेशियो लिख सकते हैं, तुम लोगों ने रेशियो पढ़ा है तो उसी का तुम लोग को यहां पर एप्लीकेशन करना चाहिए, 3:2 हो गया, ठीक है मुझे क्या निकालना है N2 का वैल्यू, ठीक है तो N2 कितना होगा, N2 मतलब 2 by 5 into 100, क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज यानी आउट ऑफ 100 निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ 5 अगर 2 अनस्किल्ड है तो आउट ऑफ 100 कितना होगा, तो ये 40% निकल के आता है, तो 40% मेरा आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है तो देखो हर एक चीज का एप्लीकेशन हर एक जगह, इसीलिए जो है समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, यहां पर N1 N2 नहीं दिया था कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो रेशियो पढ़ा था ना, तो रेशियो का मतलब क्या है कि आउट ऑफ, देखो 3:2 इज द सिंपलेस्ट वैल्यू स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का, और मुझे यहाँ पर क्वेश्चन परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा है तो मुझे आउट ऑफ 100 निकालना है, तो सीधा बात है टोटल कितने वर्कर, 5 में अनस्किल्ड कितने 2, तो फिर 100 में कितने लोग होंगे, तो वही तो मेरा परसेंटेज हो जाएगा, तो परसेंटेज निकल गया मेरा 40%, ठीक है आंसर आ गया 40%।
इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा और एक कैलकुलेशन करते हैं, चलो सेट बी का ही सारा कर रहे हैं, ठीक है तुम लोग थोड़ा पॉइंट आउट करना कौन कौन सा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं फिर भी। देखो यहाँ पर 15 नंबर क्या बोला है, इफ ए वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यू 1235 विद फ्रीक्वेंसी 123 डॉट डॉट 5 देन व्हाट इज द ए एम। यहाँ पर हमने डॉट डॉट दे दिया है जो भी हो और पूछ रहा है कि एरिथमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है तो मुझे एक्स और एफ दिया है मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स और एफ, एक्स का वैल्यू जो है एफ का वैल्यू भी उतना ही है 123 डॉट डॉट 5 123 डॉट डॉट 5, तो 123 डॉट डॉट 5 दिया है मतलब 45 ही होगा। देखो ना यहाँ एक ही तो डेटा मिसिंग दिख रहा है मुझे, 123 उसके बाद 45 और ये 123 उसके बाद 45, मुझे पूछा है इसका एम निकालो, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स कर लेंगे 1, 4, 9, 16, 25, फिर इसका लगाएंगे टोटल और इसका भी लगाएंगे टोटल, तो ये कितना हो गया 2 + 1 = 3, 3 + 6 = 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, 4 + 1 = 5 = 25 + 5 = 30, 30 + ये हो गया 9, 39 + 16, देखते हैं कितना आता है 55, ठीक है 55, तो ए एम पूछा है ए एम निकालेंगे समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ 55 बाई 15, देखते हैं कितना आ रहा है, ये कुछ इतना आ रहा है 3.666, देखते हैं ऑप्शन किस बेसिस पे दिया हुआ है, 11/3 दिया हुआ है, ठीक है बाकी तो देखो मेरा जो है पूरा 4.5 तो मेरा नहीं आया, 5.4 भी नहीं आया, तो क्या ये 11/3 आ जाएगा, चेक करते हैं, हाँ आ जाएगा, ये देखो 5.11, 5.3, तो ठीक है मुझे जैसे आंसर दिया मैंने वैसे फॉर्मेट में लिख दिया, बाकी 3.66 जो है उससे भी तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। अच्छा और यहाँ पर 15 नंबर, ठीक है 15, बाकी सब जो है ये हम लोग का एरिथमेटिक मीन। मैम एक 11 ऑप्शन का पार्ट बोलते हो, मैंने कौन ऑप्शन था होलो 11/3 जेटा ए ए ऑप्शन है सेट सी, इसमें मीडियन वगैरह बोल रखा है, ठीक है ये सब तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सेट बी का मुझे दो चार जो लगा जो हम लोगों ने पढ़ा, देखो मीन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया उसके हिसाब से ये हो गया। अच्छा ये तो बिल्कुल थियोरिटिकल, इसको एकदम लास्ट में करेंगे नहीं तो बीच बीच में ये करने से नहीं समझ में, ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट दिन हम लोग मीडियन मोड ये सब पढ़ेंगे, ठीक है तो आज जितना पढ़ा उसके बेसिस में हम बार बार बोलेंगे जो हम लोग का प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है तुम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं देगा, तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीज देख सकते हो अपने अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, लेकिन पूरा कैलकुलेटिव कहीं नहीं देता है 1 मार्क के लिए, ठीक है तो फिर थियोरिटिकल चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तो स्टैटिस्टिक्स है बोल के ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने दे देगा, ऐसा बात नहीं रहेगा, ठीक है चलो आज इतना ही करते हैं। मैम हाँ बोलो,